Hello everyone and welcome to an academy. My name is Dr. Varun Sharma and I'll be taking some classes related to Rajasthan exams, RAS, RPSC for RAS. And hear me properly and am I visible to you clearly? I mean audio and visual check. So can anybody of you who's online right now can reply me if we are good to go. Okay, I will take that as a yes. So good morning Abbas and whosoever is online right now. So let's start up with the topic again. So this is the Let's Try Rajasthan exams. This is something about me. If you want to read more about my credentials, you can pause it the video right now and you can go ahead and read it about me. So aaj ka jo hamara topic hai, that is the second part of the Guhil and Sisodia dynasties of Mewar. Jo first part humne kal kiya tha. और हमने कल रावल जो ब्रांच थी पूरी वो खत्म कर ली थी एंड दैट ब्रांच बेसिकली एंडेड विद रावल रतन सिंह डेथ आफ्टर दी 1303 वॉर ऑफ रणथंबोर जिसमें चित्तौड़ का पहला साका भी कहा जाता है जिसके अंदर आपके पद्मिनी ने जौहर किया था और ये रतन सिंह की केसरिया करते हुए डेथ हो गई थी. आई मीन ही वेयर द सेकंड गाब जो बाद में लड़ाई करने उतर गए थे. तो वो वाला पार्ट हमने कल खत्म कर लिया था. अब जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो सिसोदिया डायनेस्टी जो थी मेवाड़ की गुहिल्स की जो मैंने आपको बताया था जैसे जो डिटेल में डिस्कस कर रहा था कि गुहिल के अंदर दो पार्ट बट गए थे. ठीक है, एक बट गया था आपके जो उनके शेम सिंह थे उनका जो शेम सिंह ने रावल डायनेस्टी वो शुरू कर दी थी लीनेज और उनके दूसरे बेटे राहब थे उन्होंने शुरू कर दी थी आपके सिसोदिया. ठीक है, ये दोनों गुहिल्स के ही गोत्र थे पर यहाँ पर आकर इनकी रावल रतन सिंह के जो 1303 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है जो अलाउद्दीन के साथ बैटल ऑफ चित्तौड़ हुई थी. उसके बाद तो फिर ये जो दूसरी पार्ट थी ये मेवाड़ के महाराणाज बनते हैं और ये राणा वाला टाइटल लेते हैं. ठीक है, महाराणा राणा ये वाला टाइटल ये लोग लेते हैं. ठीक है, तो ये गुहिल्स के ही थे बट ये सेकंड जो दूसरी उनका गोत्र था वो वाला वो अब लीड करने लग जाता है गुहिल का. तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे अन अकेडमी पर. सो वाई अन अकेडमी, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है, यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, मुझ जैसे कई एजुकेटर्स आपको साथ आके पढ़ाएंगे और अलग अलग आपके टॉप सब्जेक्ट्स लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और जो लाइव क्लासेस में भी हो सकते हैं और उसके अलावा जो डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे जिसको आप चाहें तो आप देख सकते हैं. जो अपने डाउट्स के लिए आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अगर डाउट क्लियरिंग सेशन है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, RAS से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको पूरे करवाए जाएंगे राइट फ्रॉम प्री टिल योर इंटरव्यू. तो आपको सारी पूरी कोचिंग मिलेगी, आपको कोचिंग इन द सेंस यू विल गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वी ऑल हैव. हम लोग शेयर करेंगे सारा, आपको बताएंगे किस तरह से आपको मूव करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा क्लासेस के लिए, जितनी बार भी चाहे आप क्लासेस देख सकते हैं. यू डोंट हैव टू यू नो ऐसा नहीं है कि आप एक क्लास को एक ही बार देख सकते हैं, जितनी बार 10 बार 15 बार 2 बार 5 बार जब भी आपको समझ में आता है उसके हिसाब से क्लासेस को देख सकते हैं अपना. यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं RPSC के लिए. वाईफाई स्टडी जो चैनल था वो अन अकेडमी का ही एक सब्सिडियरी चैनल बन चुका है और इनमें से कई फैकल्टी के साथ आप पढ़ चुके हैं. हाय, गुड मॉर्निंग उर्वशी, आई होप यू डूइंग फाइन. तो ये और पढ़ा रहे हैं आप, तो इनके साथ आप पढ़ सकते हैं. कहीं ना कहीं इनसे आप ऑफलाइन भी पढ़े होंगे, सो यू मस्ट बी नोइंग मोस्ट ऑफ देम. सो अब ये ऑनलाइन अन अकेडमी पर पढ़ा रहे हैं. इसके अलावा कुछ कोर्सेज आ रहे हैं अन अकेडमी के ऊपर जो हिंदी के अंदर ज्योग्राफी का आ रहा है, राजस्थान हिस्ट्री का शुरू हो रहा है, एक पर्टिकुलर हिंदी का शुरू हो रहा है पटवारी के जो एग्जाम के लिए और एक ज्योग्राफी का शुरू हो रहा है, तरुणा मैम शुरू कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पर आपको वीकली मॉक टेस्ट भी होंगे, ये मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, तो RAS के मॉक टेस्ट भी होंगे. आपको फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होगा वो वाईफाई स्टडी के द्वारा करवाया जाएगा आपको और बाकी RPSC के एग्जाम्स के अंदर भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी. सो यू कैन ज्वाइन, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके. रजिस्टर करने का सिंपल आसान है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कीजिए. इसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर मेरा कोड 10BS ध्यान रखिएगा, रेफरल कोड जो है जो एक गिफ्ट बॉक्स बना आता है यहाँ पर आप इसको कोड को डालिएगा तो आपको 10% अपफ्रंट डिस्काउंट मिलेगा. तो जो कोर्स एक साल का 7000 रुपये का है वो आपको 6300 में मिलेगा और जो दो साल का है 8400 का वो आपको 7560 रुपये के अंदर मिलेगा. प्लस ये सिर्फ मेरा ही कोर्स की वैल्यूएशन है, जितने भी टीचर्स मैंने बताया ऊपर जो नाम दिया था 25 प्लस एजुकेटर्स का उन सब के साथ आप पढ़ सकते हैं ये फीस देकर. ठीक है, एक साल की और ये दो साल की. ठीक है, मैं चाहूंगा आप दो साल का प्रेफर करें बिकॉज फायदा इसी में रहेगा, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा कहता हूँ कि RPSC का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, आगे पीछे चलती रहती है, कभी प्री कैंसिल, कभी मेन कैंसिल, कभी पोस्टपोन्ड हो जाता है. तो एटलीस्ट आप बार बार चैनल के अंदर पढ़ सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं चीज़ें, रेगुलर स्टडी बनी रहेगी आपको. तो मैं चाहूँगा आप 2 महीने के लिए, और बहुत ज़्यादा अमाउंट है भी नहीं, समय अराउंड 315 रुपये पर मंथ पड़ता है, तो इट्स मोर और लेस
या बस मेरा कोर्स आज लिस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है उर्वशी। मैं एक घंटा तो यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ लाइव, उसके अलावा मैं एक घंटा वहाँ पढ़ाऊंगा आपके प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैं शुरू कर रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कल से, ठीक है। तो आई थिंक आज शाम को आपके महाराणा डायनेस्टी थी, तो वो शुरू होती है महाराणा हम्मीर से, ठीक है। तो आपको पता है कि 1303 के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा चित्तौड़ तहस नहस कर दिया होता है, तो उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक वो मालदेव के पास रहता है, मालदेव मुछाला, तो वो उनके पास ही कंट्रोल रहता है उसका। फिर बाद में सिसोदिया वंश के जो महाराणा हम्मीर हैं वो उनसे वापस लेते हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन के बाद जब चित्तौड़ की हालत थी, मेवाड़ की हालत थी, वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो बहुत पूरी तरह से तहस नहस करके गया था और पूरा जो सिस्टम था, जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो पूरी खत्म हो चुकी थी, जो अल्लट ने बनाई थी वहाँ पर पहले। तो कोई बहुत ज़्यादा एक हैप्पी स्टेट नहीं थी मेवाड़ की, जो उस पोजिशन थी वहाँ पर उसको, ठीक है। तो लेकिन दोबारा जो मेवाड़ की ग्लोरी जो उन्होंने दोबारा लेकर आए, जो उनको दोबारा दोबारा खड़ा किया मेवाड़ को, वो सिसोदा के सरदार हम्मीर जो अरी सिंह का पुत्र था और लक्ष्मण सिंह जो रावल महाराणा थे उनका पोता था, ठीक है। तो हम्मीर का नाम ज्यादा ध्यान रखिए, अब ये इंपॉर्टेंट रूलर है ये, फिर भी आप अरी सिंह और ये लक्ष्मण सिंह नाम हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1326 के अंदर हम्मीर क्या होता है, मालदेव का सक्सेसर था बनवीर, तो उससे ये फोर्ट वापस छीन लेता है। तो आपको पता है मालदेव खिजरा अलाउद्दीन जब गया था तो खिजराबाद नाम रखकर गया था उसका, खिजर खान जो सन था उसके ऊपर, खिजर खान से संभला नहीं तो उसने मालदेव जो था उसको बुलाकर वो सौंप दिया फोर्ट, ठीक है, गुड मॉर्निंग जूही भट्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो रणकपुर का जो इंस्क्रिप्शन है, जो गौरीचंद शंकर हीरेचंद ओझा ने पढ़ा है, जिसको इंस्क्राइब किया है, उसको जो डिसाइफर किया है, तो उन्होंने बताया कि जो मालदेव का सक्सेसर था बनवीर, तो उससे लड़कर हमीर ने वापस चित्तौड़ जीत लिया। चित्तौड़ को जीतना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल, बहुत टेरेन है। वो एक कहावत भी है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, यानी कि अगर फोर्ट चित्तौड़ जैसा फोर्ट हो, जब हम फोर्ट्स का आर्किटेक्चर करेंगे तब आपको सारी चीज़ उसमें मैं बताऊंगा, तो तब के हिसाब से आप जान सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने इसको वापस से कंट्रोल कर लिया, तो वापस से जो स्ट्रेंथन पोजिशन करनी थी उनको अपनी सिसोदिया को मेवाड़ में, तो वो इन्होंने चित्तौड़ से शुरू किया, ठीक है। और इसी के बाद से इसके जो सारे राणा थे वो महाराणा कहलाए गए, पहले राणा कहलाते थे, राणा शाखा थी, बाद में महाराणा शाखा बन गई है, ठीक है। हम्मीर ने बनवीर को अपना सामंत बना लिया, ये ध्यान रखिएगा, ही मेड बनवीर इज फ्यूरेटरी, सामंत बना लिया इन्होंने हम्मीर को, बनवीर को, और उसको रतनपुर, खेराड़ और गोडवा, इन तीनों की जागीर दे दी, ठीक है। वासल, जागीर मतलब वासल, ठीक है, ये तीनों इनको चीज़ें दे दी। तो उसके बाद क्या होता है, ये इनके साथ इनका बहुत ही वफादार आदमी, फेथफुल एक फीडुटरी बन जाता है। उसके अलावा हम्मीर ने बरवाड़ी माता का मंदिर बनवाया चित्तौड़ में, ये बहुत कम जगह मेंशन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा बरवाड़ी माता का, क्योंकि एक हमारे जो टॉपिक है वो उसमें लोग डीटीज का है, फोक डीटीज का, लोग देवी देवताओं का, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है। बरवाड़ी माता चित्तौड़ में मंदिर है, वो हम्मीर ने बनवाया था, जिसको अन्नपूर्णा टेम्पल भी कहा जाता है, ये इसका मॉडर्न नेम है, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अब हम्मीर को एक वीर राजा की उपाधि दी है, गीत गोविंद जो रसिक प्रिय टीका है, ठीक है, उसके अंदर जो रसिक प्रिय, गीत गोविंद का रसिक प्रिय टीका है, उसके ऊपर वीर राजा की उपाधि दी है इसको, ठीक है, हम्मीर को। और इसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ध्यान रखिएगा, एक जैन कीर्ति स्तंभ अलग होता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, जिसके अंदर इसको विषम घाटी पंचानन, जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्या कहते हैं ये अलग अलग वो शिलालेख और प्रशस्ति, उसमें मैंने बताया भी था कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया, तो इसका नाम ही जो सेकंड नेम थे, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि किसको कहा गया था। और हम्मीर से सोडिया, ये नाम ध्यान रखिएगा, एक हम्मीर अलग आता है, राणा हम्मीर आएगा, वो रणथंबोर वाला आएगा, उसमें कन्फ्यूज मत करिएगा, ये दूसरा हम्मीर है, ठीक है। तो इसको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। अब इसकी एक बैटल ऑफ सिंगोली हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई जगह मेंशन नहीं होती है, पर ये ध्यान रखिए, बैटल ऑफ सिंगोली हुई थी, जो राणा हम्मीर और दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुगलक के साथ, आपको मैंने कल बताया था कि किसके साथ इल्तुतमिश की हुई थी, जैतर सिंह के साथ, बलबन की हुई थी उसके बेटे तेज सिंह के साथ, तो बाद में अब ये तीसरा जो इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुई थी, MBT, ठीक है, जो सिंगोली उदयपुर, ये जगह भी ध्यान रखना, उदयपुर कई बार पूछते हैं कि सिंगोली कहाँ पर है, ठीक है, जैसे धर्मत कहाँ पर है पूछ सकते हैं, सिंगोली कहाँ पर है पूछ सकते हैं, बेगू कहाँ पर है पूछ सकते हैं, आपके बिजौलिया कहाँ है, ये ऐसे सवाल पूछते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आजकल नया ट्रेंड शुरू हो गया, जो पुरानी जो बहुत नामचीन जगहें थी उनके बारे में पूछते थे वो कहाँ पर है, तो दो बार के RS में 16 में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, 18 में भी आ चुका है, तो ये ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। तो सिंगोली उदयपुर में, और ही डाइड इन 1364 AD। उसके बाद क्या होता है, टाइम आता है महाराणा क्षेत्र सिंह का, इसको खेता सिंह भी कहते हैं, ठीक है, तो ये मेवाड़ के महाराणा बनते हैं, और इन्होंने मालवा का जो दिलावर खान गौरी था उसको हराया था, और मेवाड़ मालवा का जो पुराना बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत टाइम से, उसको जीत लिया था, तो मेवाड़ विक्टोरियस बन गया था इस कॉन्फ्लिक्ट में, और दिलावर खान गौरी को इन्होंने हरा दिया था, और इसको हाड़ा राजपूत जो हाड़ौती के थे उनको दमन करने का भी इनको क्रेडिट जाता है, ठीक है, दमन करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है,
फॉर ऑफ ऑल ऑफ माई हिंदी जो सुन रहे हिंदी के अंदर, ठीक है, उनके लिए। तो ये ध्यान रखिए क्षेत्र सिंह का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ दिलावर खान गोरी को रहता है, हाड़ा राजपूतों का दमन किया था, स्टार्टिंग इन्होंने की थी कि महाराणा क्षेत्र सिंह ने। चलिए इसके बाद आपके आते हैं जो इंपॉर्टेंट रूलर है, वो आते हैं महाराणा लक्ष्य सिंह या महाराणा लाखा, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है ये, काफी इनकी साथ इनका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इनका आगे जाकर भी, इनकी वजह से बहुत चीजें चेंज होती है मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर। तो देखिए खेत सिंह, क्षेत्र सिंह या खेता सिंह की डेथ के बाद उनका जो एल्डेस्ट सन था लाखा, वो आपके राणा महाराणा बनते हैं। और इसके टाइम पर बेस्ट पार्ट क्या होता है, चांदी की खाने पता लग गई थी जावर के अंदर, तो जिसकी वजह से मेवाड़ की रेवेन्यू बहुत बढ़ने लगे, तो रेवेन्यू इनकम बढ़ गई, तो मेवाड़ में प्रॉस्पेरिटी बहुत शुरू हो गई थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ गई थी मेवाड़ की। सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग दिस टाइम सिल्वर माइन वाज डिस्कवर्ड इन जावर, तो इसकी वजह से इनका जो ट्रेड बढ़ गया था, पैसा बहुत लगे, तो इसकी वजह से मेवाड़ के अंदर बहुत फ्लरिशिंग एक डायनेस्टी बनकर उभरी बाद में, ठीक है। और इनकी शादी की गई थी मेवाड़ की जो प्रिंसेस थी हंसाबाई, जो राव चूंडा की बेटी थी, तो उनसे शादी की गई थी। अब तो इसके बारे में थोड़ी बड़ी स्टोरी बड़ी अजीब सी है, तो देखिए होता क्या है कि जो राव रायमल होता है, जो इसका हंसाबाई का भाई होता है, और राव चूंडा का जो मारवाड़ के राव चूंडा थे उनका बेटा होता है, तो ही कम्स टू कोर्ट ऑफ महाराणा लक्ष्य सिंह, और वो रुपए नारियल लेकर आता है कि भाई वो एंड ही वॉन्टेड हर हिज सिस्टर, जो हंसाबाई की उसकी शादी वो करवाना चाहते थे राव महाराणा चूंडा से। अब देखिए नाम दोनों सेम है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों राणा चूंडा जो थे, राणा चूंडा थे लाखा के पुत्र, ठीक है, लाखा सन वॉज राणा चूंडा, और ये राव चूंडा दूसरे थे, इनका इनका बेटा था रायमल रणमल सॉरी ठीक है रणमल इनका बेटा था। तो अब ये क्या होते हैं दोनों, अब ये रणमल अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता लेकर आता है किसके लिए, राव राणा चूंडा के लिए। अब चूंडा के लिए रिश्ता लेकर आता है, लेकिन चूंडा उस वक्त क्या कोर्ट में बैठा होता है पर अपने फादर के बगल में बैठा होता है, तो इसके फादर जो ये राणा लाखा थे ये मजाक मजाक में बोल देते हैं कि इस उम्र में मैं शादी थोड़ी करूंगा। अब वो रुपए नारियल लेकर आया था किसके लिए, चूंडा के लिए, लेकिन जब वो महाराज के सामने पेश करता है रणमल, तो वो बोलते हैं जाकर कि मैं ये रुपए और चूंडा लेकर आया हूँ यहाँ शादी, मैं मेवाड़ राजघराने में अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूँ, ये बोलता है वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वो महाराणा जो लाखा है वो मजाक में बोल देता है कि यार मेरी उम्र नहीं है शादी करने की, और इस उम्र में उनको हंसा भाई क्या देखा जो मुझे शादी करना चाहती है। अब ये बात बिल्कुल उर्वशी करेक्ट, चूंडा सिसोदिया आप ऐसे कह लीजिए, बताइए राणा चूंडा कह लीजिए, सन ऑफ राणा लाखा, ठीक है, तो वो होता है। तो अब लेकिन राणा चूंडा को ये बात चुप जाती है, वो बोलते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे फादर शादी करना चाहते थे, वो उनकी एज हो गई इसलिए नहीं करना चाह रहे। तो वो क्या करते हैं, वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं, जैसे महाभारत ने भीष्म पितामह ने ली थी ना कि भैया मैं अपने फादर की शादी करवाऊंगा किससे, हंसाबाई से, और मैं शादी नहीं करूंगा ताकि मेरा कोई एयर ना हो, मेरी कोई भी आगे संतान ना हो जो मेवाड़ के थ्रोन के ऊपर अपना हक जता सके। तो ये कहानी वो उस तरह की भीष्म जैसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, इसीलिए इनको भीष्म पितामह कहा जाता है राजपुताना का या राजस्थान का, दोनों किसी भी तरह पूछ सकते हैं राजस्थान का। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बता रखी है कि एल्डरसन के लिए तो प्लेज इसलिए। अब लेकिन एक चीज और होती है कि जब हंसाबाई शादी के लिए मान जाती है, तो वो अब हंसाबाई क्योंकि पता था अगर राणा चूंडा से शादी होती तो हंसाबाई का और राणा चूंडा का अगर बेटा होता तो वही राजा बनता, तो हंसाबाई ये शर्त रख देती है कि मैं शादी भी तब करूंगी लाखा से जब जो मेरा हमारे बीच में जो बेटा होगा वही आपके मेवाड़ का जो राजा बनेगा, नेक्स्ट किंग बनेगा, राणा बनेगा। तो चूंडा इसलिए प्रतिज्ञा ले लेता है कि हाँ भाई ठीक है जो भी होगा वही राजा बनेगा, मैं शादी नहीं करूंगा। और फिर हंसाबाई से और लाखा से उनका पुत्र होता है मोकल, करीब करीब शादी के 13 महीने के बाद मोकल उनका पुत्र होता है। तो मोकल बिकम्स द रूलर ऑफ मेवाड़ और चूंडा उसका मेंटर बन जाता है, जैसे भीष्म पितामह बन गए थे धृतराष्ट्र के, ठीक है, बाद में धृतराष्ट्र के और उससे पहले चित्रांगद के, जो महाभारत के अंदर जो लीनियज थी कि आपके वो होते हैं ना क्या नाम था शांतनु का पुत्र होता है भीष्म, फिर शांतनु शादी होती है सत्यवती का पुत्र होता है चित्रांगद के बाद धृतराष्ट्र होता है, ठीक है। तो वो वाली कहानी पूरी इनकी थी, है ना, तो वैसा ही कुछ था। तो फिर लाखा शादी करते हैं हंसाबाई से, उनका बेटा होता है मोकल, वो रूलर बनता है, फिर भीष्म की तरह आपके हंसाबाई क्या नाम है ये राणा चूंडा वो उसका एक केयर टेकर या एक मेंटोर बन जाते हैं, ठीक है। और अपनी बहुत भीषण प्रतिज्ञा ग्रूसम वाव जो ली थी उन्होंने, इसीलिए इनको राजपुताने का भीष्म भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। थोड़ी स्टोरी चलती रहनी चाहिए हिस्ट्री के अंदर, वरना बड़ी बोरिंग हो जाती है आसपास अगर आप ध्यान नहीं रखे तो, इससे इंटरेस्ट बना रहता है। चलिए तो ये आता है भाई महाराणा मोकल, ये फोटो अवेलेबल थी इनकी, तो ये मैंने फोटो लगाई, ध्यान रखिएगा। तो ये 1397 से 1433 तक रहे थे, 1397 इनका ईयर ऑफ बर्थ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब महाराणा मोकल के जब राणा लाखा की जब डेथ होती है तो मोकल 12 साल के थे, ठीक है, और चूंडा उन्हें गार्डियन बन जाते हैं। लेकिन हंसाबाई और चूंडा के बीच में थोड़ी तनातनी शुरू से रहती है, तो बहुत ज्यादा टेंशन थी। तो चूंडा क्या होता है, मांडू चला जाता है, वो छोड़ देता है, बोलता है कि यार यहाँ प्रॉब्लम रहेगी, और क्योंकि जो मेवाड़ के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका बढ़ जाता है, आपके राठौड़ का,
क्यों? क्योंकि जो रणमल था, जो इसका भाई था, किसका, हंसा भाई का भाई था जो रणमल, वो क्या है, वही वही टिक जाता है शकुनी की तरह, ठीक है? तो थोड़ा सा महाभारत से लिंक कर रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ही वो वहीं पर रह जाते हैं, कहाँ पर, मेवाड़ के अंदर, ठीक है? ये था मारवाड़ का, लेकिन ये मेवाड़ के अंदर वहीं रह जाता है। अब क्या होता है, तो फिर चूंडा को प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज्यादा षड्यंत्र लगे जाते हैं, बहुत कॉन्स्पिरसीज बनती रहती है कि टू यू नो क्रिएट डिस हार्मनी डिस्कॉर्ड बिटवीन हंसा भाई एंड चूंडा। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये चूंडा होता मांडू चला जाता है कि भाई ठीक है, अब वो देखा जाएगा, जो भी रहेगा मेवाड़ तो ये लोग संभालेंगे अपने हिसाब से, तो वो चला जाता है। अब और इससे मारवाड़ की पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है, कहां पर, मेवाड़ के ऊपर। अब लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, जब रणमल के फादर चूंडा, ठीक है, राव चूंडा की डेथ हो जाती है, तो वो मारवाड़ का भी रूलर बन जाता है, उसके अंदर उसकी हेल्प करता है महाराणा मोकल, ठीक है? तो महाराणा मोकल फोर्स भेजते हैं उसके साथ, और वो चूंडा के मरने के बाद रणमल को वहां का मारवाड़ का राव या किंग बनवा देते हैं, ठीक है? इसके अलावा मेवाड़ के महाराणा जो थे, आई मीन ये मोकल, उनकी फिरोज खान जो नागौर का किंग था, उससे भी लड़ाई होती है, जिसके अंदर मेवाड़ हार जाता है, ऐसा जानकारी मिलती है। लेकिन जो आपके रामपुरा, जो आपके इंस्क्रिप्शन, जो मेवाड़ के नाके प्रशस्ति है, वो ये बोलती है कि महाराणा जीत गया था। तो एक डाउट है, क्लैरिटी नहीं है कि ये जीते थे या हारे थे। मैं फिरोज कई कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि नागौर की बैटल के अंदर फिरोज खान हार गया था और कुंभा जीत गए थे, और कई लोग कहते हैं कि कुंभा हार, क्या सॉरी, ये मोकल हार गए थे और फिरोज खान जीत गया था। तो इसको बैटल ऑफ रामपुरा के अंदर, जो सेकंड बैटल हुई थी, उसके अंदर जरूर आपके क्या कहते हैं ये महाराणा जो मोकल थे वो जीत के आते हैं 1428 के अंदर। तो थोड़ा सा डिस्प्यूट है, बट अगर बैटल ऑफ रामपुर आए तो ये ध्यान रखना कि भाई महाराणा को ही जिताना है आपको, बाकी फिरोज खान को नहीं जिताना है, जो नागौर का रूलर था, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, दूसरी चीज, इन्हीं के टाइम पर जो अहमद शाह था, सुल्तान था, वो महाराणा के ऊपर अटैक करने की सोचता है कि मेरा सॉरी जो मोकल थे वो गुजरात को एनेक्स करने की सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको था कि अपनी वो जो बॉर्डरिंग एरिया उसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए। तो महाराणा ने जीलवा के पास कैंप किया था, जीलवाड़ा, ठीक है? जीलवाड़ा बाद में ये जीलवा के नाल बनती है, इसलिए तो ये जीलवाड़ा कहते थे पहले उसको। तो महाराणा वहाँ कैंप करते हैं, वहां पर अपना वो जो क्या कहते हैं कैंप लगाते हैं कि वो सीज शुरू करते हैं, घेराबंदी, ठीक है? अब होता क्या है, लेकिन इसी के दौरान चाचा और मेरा, जो दो इनके अंकल थे, एक का नाम चाचा था, एक का नाम मेरा था, उसने महाराणा मोकल को मरवा देते हैं, ठीक है? और चाचा एंड मेरा वर द इललेजिटिमेट सन ऑफ महाराणा क्षेत्र सिंह। तो जो आपको खेता सिंह जो मैंने बताया, उसके जो इललेजिटिमेट सन थे, इनके चाचा थे, किसके, मोकल के चाचा थे, लाखा के भाई थे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, लाखा के भाई थे लेकिन मोकल के चाचा थे, और वो इललेजिटिमेट मतलब बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, और कुछ दासी से किसी उनके साथ रिलेशनशिप के थ्रू ये पैदा हुए थे, ठीक है? तो चाचा और मेरा इनको मरवा देते हैं मोकल को, ठीक है? और मोकल को संबितेश्वर टेम्पल का रेनोवेशन भी किया था, ये ध्यान रखिएगा, इसको चंबितेश्वर का मोकल, मोकल का संबितेश्वर मंदिर जो मैंने आपको बताया था जब हम प्रशस्तियां कर रहे थे, ठीक है? और उन्होंने एकलिंग मंदिर जो था उसके बैटल डोर, यानी कि परकोटा, इसको रैमपार्ट भी कह सकते हैं आप, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? रैमपार्ट भी कह सकते हो आप, बैटल डोर भी लिख सकते हो। तो परकोटा जो होता है वो ये था, तो वहां पर बनवाया था, एंड इस कंस्ट्रक्शन वॉज डन बाय परमार राजा भोज, ठीक है? बेसिकली राजा भोज जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी पूरी, और इसको रेनोवेट करवाया था संबितेश्वर मंदिर को जो था, आपको मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, उसमें आप दोबारा जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अंदर क्या नाम है, जो जब शिलालेख करा रहा था, और जो एंशियंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उन दोनों में मैंने बता रखी थी। और कुछ फेमस आर्टिस्ट या कुछ शिल्पकार और इस तरह के लोग जो मोकल के कोर्ट के थे, एक माना, फणा और विशाल, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती हैं आजकल, आर्ट एंड कल्चर वाले जितने भी रूलर्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्री के एग्जाम्स के अंदर और मेन के एग्जाम्स के अंदर। हमेशा आजकल वो रूलर्स पूछे जाते हैं जिन्होंने आर्ट कल्चर कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर और पेंटिंग, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था या उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, तो इसी तरह के रूलर पूछे जाएंगे, या कोई बहुत फेमस बैटल है तो पूछी जाएगी, हर चीज नहीं पूछी जाती है। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करा करिए आप, देखिए पढ़ते सब लोग हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए लेकिन क्या चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बहुत कम लोग जानते हैं, तो मेरा पर्पस है मैं आपको वो भी बताता रहूँ साथ में, ठीक है? और कई स्कॉलर जैसे योगेश्वर एंड भट्ट विष्णु, ये भी मोकल के कोर्ट के थे, तो ये जो मैंने स्पेशली मार्क कर रखे हैं इनको ढंग से पढ़िएगा, मिस मत कीजिएगा इन चीजों को। न्यू फाउंडेशन बैच कब स्टार्ट हो रहा है सर? देखिए आपका नाम तो हिंदी सॉन्ग लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन नया बैच अभी मेरा तो पर्टिकुलरली जो मैं शुरू कर रहा हूँ प्लस के ऊपर, वो शुरू कर रहा हूँ कल से, जिसमें मैं इंग्लिश के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने वाला हूँ, और बाकी का आप रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ सकते हैं। कंबाइंड बैच आई थिंक नेक्स्ट मंथ के आसपास शुरू होगा, ठीक है? जिसके अंदर सारे कोई ना कोई टीचर अलग अलग कोर्स लेके हम मल्टीपल एक हम बैच वाइज भी शुरू करना चाह रहे हैं आरएस का, जिसके अंदर, लेकिन मैं अपनी बता सकता हूँ कि मैं आपको सारे नोट्स इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो
तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो लोग मेरा कोड यूज करके ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज मुझे मैसेज कर दिया करें, ताकि मैं आपको नोट्स क्लास के बाद पीडीएफ के थ्रू भेज सकूँ व्हाट्सएप कर सकूँ, ठीक है। और बाकी आपने जिनके जिन्होंने आपको कमेंट किया है कि वो इंग्लिश का पढ़ा रहे हैं, प्लीज एक बार उनसे संपर्क करें, ठीक है, ताकि आपकी जो सिचुएशन है वो क्लियर हो सके। चलिए, हाँ, इसके बाद आपके आते हैं महाराणा कुंभा, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर, सिर्फ मेवाड़ की नहीं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि बहुत ही वर्सटाइल पर्सनैलिटी थे इन्होंने बहुत। देखिए उर्वशी, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं साइंस के आपको नोट्स, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं साइंस के आपके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा इंग्लिश के अंदर, लेकिन मैं डिटेल में साइंस आपको नहीं पढ़ा सकता, मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके लिए और बहुत टीचर्स हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे, ऐसा नहीं है। अनअकैडमी में कोर्स पूरा होगा आपका, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन साइंस और मैथ्स वाला कोर्स मैं नहीं करवा पाऊंगा। और हिंदी इंग्लिश में आपको पूरा गाइड कर दूंगा कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो सारा ज्यादा चीज रटने की है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा नहीं है। और इंग्लिश की क्लासेज अलग चल रही है कोर्स में, यहाँ पर आप तो इंग्लिश क्लासेज उनसे ले सकते हैं। आई स्किप्ड हिज नेम, जो फैकल्टी है, बट वो अच्छा इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहते हैं उनसे पढ़ सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपका कोर्स पूरा होगा इंग्लिश मीडियम में, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सारे कोर्स आपके नोट्स दूंगा भी, बट आई नीड टू बी अवेयर कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो वो दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि अगर आप यूज करते हैं मेरा कोड तो प्लीज मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, नंबर मैंने आपको डाल दिया है, तो आपको मैं पूरा जो ये पीडीएफ है इनकी, क्योंकि मैं वर्ड में दोबारा कन्वर्ट करके भेजता हूँ इनको, तो वो आपको मैं भेज दूंगा। चलिए, अब आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आज मैं सांगा तक कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल त्रिभुवन जी, मैं साइंस आपके इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स आपको, डोंट वरी अबाउट इट। सुंदर सुथार जी, मैं हिंदी में अभी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, जैसे मतलब मैं पीडीएफ आपको हिंदी में शायद ना दे पाऊँ हर चीज़ की, पर कुछ जो है मैं जरूर देऊंगा आपको, हिस्ट्री की मेरे पास है तो हिस्ट्री की हिंदी में मैं आपको दे दूंगा, लेकिन सारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा हिंदी के अंदर। लेकिन और बाकी टीचर्स हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको हिंदी में सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको अनअकैडमी पर कोर्स आपका पूरा होगा, आप उसकी टेंशन ना लें, हिंदी इंग्लिश जो भी है सारा पूरा होगा, पूरा करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए, अब देखिए कुंभा कब कर राजा बनते हैं, जब महाराणा मोगल का असैसिनेशन हो जाता है, जब उनको हत्या कर दी जाती है, तो राणा कुंभा जो सौभाग्य देवी के साथ देश से पैदा हुए थे, आपके मोगल और सौभाग्य देवी की से पैदा हुए थे, 1403 में इनकी बर्थ हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। ही बिकम्स द रूलर ऑफ चित्तौड़ इन 1433 AD, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को आप, ठीक है। महाराणा कुंभा, अब कुंभा के बहुत सारे टाइटल्स हैं, इन सारे टाइटल्स को मैंने इकट्ठा करके एक जगह इनके सारे मीनिंग लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को इशू ना रहे, क्योंकि एक नया क्वेश्चन जो मैं सोचता हूँ वो आ सकता है कि कुंभा के बहुत सारे टाइटल्स थे पर उनका मतलब क्या था, तो प्री के अंदर क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, चाहे पटवारी एग्जाम हो राजस्थान के अंदर, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जो भी हो, इस तरह के टाइटल वाले क्वेश्चन आप जरूर आ सकते हैं। तो मैंने आपको सारे के सारे टीचर हमारे बिल्कुल सर सुंदर जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी हेल्प करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं जो इंग्लिश वाले हैं उनकी हेल्प नहीं करूंगा, जो किसी और सब्सक्राइब किया मैं भी उनकी हेल्प करूंगा, तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, चाहे आप मेरा कोड सब्सक्राइब करो चाहे किसी और कोड सब्सक्राइब करो, आपको नोट कोड मिल जाएंगे। लेकिन आप मैं बस चाह रहा था कि एक मेरे पास भी रिकॉर्ड रहे कि मैं किन किन को दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी मेरी मेहनत है इंग्लिश की पूरे बनाए हुए नोट्स की, या राजस्थान में आपको कहीं मिलेंगे नहीं जो मैं इतना डिटेल डिस्कशन जो करके, बिकॉज मैं पूरा एक ही चीज़ें तीन चार बुक्स पढ़कर ट्रांसलेट करके पूरे नोट्स बनाए, सो दैट इज वाई कि थोड़ा सा रहता है, अदरवाइज जो भी रहेगा आई थिंक आई विल बी प्रोवाइडिंग इट टू एवरीवन, देयर इज नो इशू अबाउट इट, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, तो अब इनके जो मीनिंग्स हैं वो हैं महाराजा धीराज, बिकॉज ही वॉज बींग किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा इसलिए महाराजा धीराज कहा जाता था उनको, ठीक है। महाराणा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कंट्रोल स्टेट्स को अपने कंट्रोल में यूज कर रखा था, तो महाराणा इसीलिए कहा जाता है, बाकी महाराणा उन्होंने भी यूज पहले राणा यूज करते थे, बाद में महाराणा इसलिए यूज किया हमीर के टाइम पर, क्योंकि बहुत सारे राज्य इनके अंतर्गत आ गए थे, तो इन्होंने महाराणा यूज करना शुरू कर दिया। राणो रासो क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स को, बहुत सारे आपके साहित्यकारों को ये एक पेट्रन थे, उनको क्या कहते हैं अपने कोर्ट के अंदर रखा करते थे, तो उनको राणो रासो कहा जाता। राजगुरु इसीलिए क्योंकि इनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत ज्यादा थी इनके अंदर, बहुत एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, और बहुत सारे इन्होंने जागीरदारों को और अपने सामंतों को उनके रक्षा करता थे, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये वाली बुलेट पॉइंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तो वो एंटर करने के टाइम पे आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो ये राजगुरु इसलिए कहते थे क्योंकि ही वॉज बहुत अच्छे कुशल राजनीतिज्ञ थे, और साथ ही उन बहुत सारे ये अपने सामंतों का और जागीरदारों का ध्यान रखा करते थे पूरी तरह। दानगुरु क्योंकि बहुत ज्यादा डोनेशंस दिया करते थे साहित्यकारों को, चित्रकारों को, और अलग अलग जो आर्टिस्ट थे इनके, और गरीबों को बहुत दान किया करते, इसलिए दान गुरु कहा जाता था इनको। हाल गुरु क्यों, क्योंकि इनके अंदर में बहुत सारे दुर्ग आते थे हाल गुरु, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है हाल गुरु का, क्योंकि इनके इन्होंने बहुत सारे फोर्ट को किलों को कंट्रोल में कर रखा था, इसलिए इनको हाल गुरु कहा जाता, वेरियस हिल फोर्ट्स, गिरी दुर्ग बहुत सारे इनके कंट्रोल में थे, अचलगढ़ का हो गया, कुंभलगढ़ का हो गया, चित्तौड़गढ़ का हो गया, इस तरह के सारे इनके पास थे इसीलिए। और
परम गुरु इसलिए क्योंकि इनको अलग अलग बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी थी। म्यूजिशियन थे ये, सिंगर थे ये, राइटर थे ये, नाट्यशास्त्र लिखते थे, तो और बहुत ही एक सुप्रीम रूलर थे उनके टाइम पे, बहुत एक कुशल नेता नेतृत्व करता थे, तो इसीलिए इनको परम गुरु भी कहा जाता है इसीलिए। तो ये सारे टाइटल्स थे राणा कुंभा के। अब राणा, ये लोगों ने राणा कुंभा को दिए थे, अब राणा कुंभा ने खुद भी कुछ टाइटल अपने अंदर एसिमिलेट किए थे, जो कि उन्होंने रसिक प्रिया टीका है, जो गीत गोविंद टीका, टीका मतलब कमेंट्री होता है, ठीक है, तो रसिक प्रिया का जो इन्होंने गीत गोविंद टीका लिखा है, सॉरी गीत गोविंद का जो टीका लिखा है रसिक प्रिया टीका के नाम से, है ना, जो गीत गोविंद ने कमेंट्री लिखी है राणा कुंभा ने, उनमें खुद के लिए उन्होंने जो अपने जो क्या कहते हैं टाइटल्स बनाए अपने लिए, तो वो ये सारे टाइटल नरपति, क्योंकि ये आम आदमी से बहुत ऊपर थे, इनके पास बहुत सारी इनकी इनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज थी, बहुत सारे इनके अंदर आई मीन क्वालिटीज थी, इसीलिए इन्होंने अपने आपको जो आम आदमी में नहीं होते, ही वॉज अ वेरी गुड फाइटर, ही वॉज अ वेरी गुड हॉर्स राइडर, इसलिए उनको अशुपति भी कहा जाता है, बहुत बड़े रूलर थे, राइटर सिंगर थे, और क्या कहते हैं नाट्य शास्त्र भी लिखते थे, म्यूजिशियन भी थे, वीणा बहुत अच्छी बजाते थे, तो इस तरह से इन्होंने खुद के लिए बहुत सारे आर्टिकल वो बहुत सारे टाइटल लिए, तो नरपति इसीलिए का क्योंकि आम आदमी से बहुत ज्यादा इनकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा थी, इसलिए नरपति। अशुपति इसलिए कि ही वॉज अ वेरी प्रोफेशनल हॉर्स राइडर। गणपति इसलिए बिकॉज ही वॉज द किंग ऑफ मेनी स्टेट्स, तो महाराजा धीराज के लिए दूसरा टर्म गणपति भी इन्होंने यूज कर लिया अपने लिए। छाप गुरु क्यों, क्योंकि इनको छापा मार युद्ध पद्धति, छापा मार होता है ना, गुरिला वॉरफेयर जो शिवाजी भी करते थे, तो वो इसके अंदर भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो छापा मार जो पद्धति थी इसलिए इनको छाप गुरु कहा जाता था। हिंदू सुल्तान, ये इनको मुस्लिम रूलर्स ने टाइटल दिया था, क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्टर ऑफ हिंदूज, तो जो मालवा के सुल्तान थे या गुजरात के सुल्तान थे, इन लोगों ने क्योंकि कुंभा हिंदूइज्म के लिए बहुत इन्होंने काफी युद्ध भी किया था, बहुत प्रोटेक्ट भी किया था इनको, तो इसलिए इनको हिंदू सुल्तान, मुस्लिम रूलर्स ने इनको टाइटल दिया था, ठीक है, या जो मुस्लिम प्रजा थी इनकी, उन्होंने इनको टाइटल दिया था हिंदू सुल्तान का, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदूज, ठीक है। इसके अलावा नाटक राजकर्ता, नाटक राजकर्ता क्योंकि इनको बहुत सारी डांसेस के बारे में बहुत इनको नॉलेज थी, डांस के जो पोस्चर्स थे, जो स्क्रिप्चर्स थे, जो बुक्स थी, उनके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो इसलिए इनको नाट राज्यकर्ता कहा जाता था। शैल गुरु इसीलिए क्योंकि इनको बहुत अच्छी तरह युद्ध लड़ना आता था, तो बींग अडेप्ट एट वॉर, तो ही वॉज कॉल्ड अ शैल गुरु। छाप गुरु वापस है इसीलिए क्योंकि ही वॉज अ स्किल्ड आर्चर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो छाप गुरु के दो मीनिंग हुए, तो स्किल्ड आर्चर भी थे और यहाँ पर एक गुरिला वॉरफेयर भी इनको बहुत अच्छा था, छापा पद्धति। अभिनव भट्टाचार्य, बहुत पुराना इनका एक टाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि इनका हिज इमेंस लव एंड नॉलेज ऑफ म्यूजिक, ठीक है, एंड हिम बीइंग अ प्रोफेशनल वीणा प्लेयर, तो वीणा बहुत अच्छी बजाते थे, इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य भी कहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है हिंदू सुल्तान खासतौर से, और इनका अभिनव भट्टाचार्य, तो ये दोनों टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने खुद के लिए लिए थे, बाकी तो लोगों ने दिए थे इनको, ठीक है। और प्रजापालक इसीलिए क्योंकि ही वॉज अ बेनेवेलेंट किंग, प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत लवेबल किंग थे, इसलिए ये सारे टाइटल भी कुंभा के साथ चलते हैं आगे से आगे, ठीक है, तो ये सारे टाइटल का ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के अकॉर्डिंगली, वो है कि पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ महाराणा कुंभा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान रखिएगा। तो कुंभा ने एक्चुअली, जब कुंभा ने महाराणा मोकल की हत्या करी थी चाचा और मेरा की, तो उन्होंने कुंभा ने बदला लेने की कोशिश की अपने पिता मोकल की हत्या का, और रणमल की हेल्प ली उन्होंने, ठीक है, ये जो मेवाड़ के जो आपके मारवाड़ के जो राव थे उनकी हेल्प ली, ठीक है, और उन्होंने इन दोनों को मरवा दिया। लेकिन जो महपा पवार, एक आदमी, एक जो चाचा था उनका सन था महपा पवार और इक्का, ये भागकर, सॉरी महपा पवार जो इक्का था वो चाचा का सन था, उसका नाम इक्का था, और महपा पवार इनके साथ का ही था, तो एक्चुअली चाचा मेरा और महपा पवार तीनों ने मिलकर हत्या करी थी मोगल की, और चाचा और मेरा जो थे वो उनके स्टेपसन्स थे, स्टेप चाचा थे ऐसे मान लीजिए, स्टेप अंकल्स थे उनके कुंभा के, ठीक है। तो ये महपा पवार और इनका चाचा का जो पुत्र था इक्का, ये दोनों मांडू पहुंच गए, मांडू सुल्तान ने इनकी इनको अपने पास रेफ्यूज दे दी थी, तो इसीलिए इनका जो इशू था वो जो वो मांडू से इसीलिए हुआ, जो मालवा के साथ लड़ाई हुई वो सारंगपुर के अंदर, क्यों, क्योंकि इन्होंने मांगा था महपा पवार और इक्का को वापस कर दो, पर उन्होंने मना कर दिया, सुल्तान ऑफ मांडू रिफ्यूज टू डू दैट, ठीक है। तो होता क्या है कि 1437 ईयर ध्यान रखना इसका, क्योंकि अब जो जो बैटल्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, उसमें ईयर ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर लगाने के लिए पूछ सकते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उन सबके मैंने ईयर लिखे हैं साथ साथ आगे आगे, आप ध्यान रखिएगा, तो इनको आप याद करते चले, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछेंगे तो आपको लगाना आना चाहिए कि खानवा पहले हुई थी या बयाना पहले हुई थी या खातौली पहले हुई थी या हल्दीघाटी पहले हुई थी, तो सारी जो बैटल्स इंपॉर्टेंट हैं इनके ईयर ध्यान रखिएगा। तो सारंगपुर 1437 में हुई थी, राणा कुंभा ने महपा पवार जो महमूद खिलजी सुल्तान था मांडू का, मांडू मालवा एक ही बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मालवा कैपिटल मांडू थी इसीलिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो मालवा के साथ इनकी लड़ाई होती है, कुंभा अटैक मालवा 1437 को, और सारंगपुर में इनको हराया, और ये विक्ट्री जीती उन्होंने, विक्ट्री मिली इसलिए उन्होंने कुंभा के कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया कहा, चित्तौड़ फोर्ट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ये जो दिख रहा है आपको चित्तौड़ फोर्ट, अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और प्लस में क्या डिफरेंस होगा, देखिए सुंदर जी प्लस के अंदर मैं ज्यादातर मेंस के सब्जेक्ट लूंगा,
ठीक है, और वहाँ सारा वहाँ टिपिकल इंग्लिश मीडियम में क्लासेस चलेंगी पूरी, आप हिंदी में भी मैं पढ़ा दूंगा वहाँ पर, लेकिन बेसिक जो है वो मूवमेंट जो 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 रहेगा वो पूरा इंग्लिश मीडियम की तरफ रहेगा, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, पर आपको अंडरस्टैंडिंग मैं पूरी दे दूंगा वहाँ पर, आप इंग्लिश भी पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कोई, तो वो मैं मेन सब्जेक्ट पहले वहाँ कवर करूंगा सबसे पहले प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, तो आप वहाँ ज्वाइन करके देख सकते हैं, और वहाँ पे नोट्स आपको डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएंगे, आप प्लस पे मेंबरशिप लेंगे तो आपको सीधे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर तो फ्री में को बना के भेजनी पड़ती है पीडीएफ, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है, तो ये फायदा होगा प्लस के ऊपर, और एक अलग ऑल टुगेदर आपके लाइव डाउट क्लियरिंग रहेगी, बहुत बहुत कम लोग होते हैं प्लस की क्लासेस के अंदर, जो बैचेज होते हैं बहुत छोटे छोटे बैचेज होते हैं, तो एक वन ऑन वन डिस्कशन चलता रहता है वहाँ पर, तो आप वो देख सकते हैं पूरा, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने ये कीर्ति, ये विजय स्तंभ बनवाया था किसकी विक्ट्री के अंदर, बैटल ऑफ सारंगपुर में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ बनवाया था वो किस बैटल को जीतने के बाद बनवाया था, तो ये ध्यान रखिएगा, कीर्ति स्तंभ जीतने के बाद, सॉरी ये बैटल ऑफ सारंगपुर जीतने के बाद बनवाया था। चलिए, इसके बाद गुजरात और मेवाड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, अब गुजरात, अब देखो महाराणा कुंभा के टाइम पर गुजरात को 5 सुल्तान्स ने रूल किया था अलग अलग, उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो कुतुबुद्दीन और एक फतेह खान, ये महमूद खान, महमूद बेगड़ा का जो, इसका नाम महमूद बेगड़ा था, बाद में इसका नाम फतेह खान था, इनिशियली इसने नाम चेंज कर लिया था महमूद बेगड़ा, तो महमूद बेगड़ा के नाम से ज्यादा जाना जाता है ये, ठीक है, पर इसका मूल नेम जो था, जो बेसिक नेम था इसका, जो फर्स्ट नेम था वो फतेह खान था, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत एम्बिशियस रूलर्स थे, तो इसलिए इनका कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहा, और नागौर का जो सक्सेशन था, जो आपको मैंने बताया जब कुंभा मोकल के टाइम से लड़ाई चल रही थी, इसके अंदर मोकल को विजेता बताया था आपके बैटल ऑफ क्या नाम था वो रामपुरम, ठीक है, तो उसके अंदर तो वो वाला जो इशू चल रहा था वो इनका ही लेकर चल रहा था, तो इसीलिए नागौर के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट बनता बना रहा लगा था, तो दोनों मेवाड़ ने गुजरात को हराया भी था वापस से इस बैटल के अंदर नागौर के सेशन के केस में, ठीक है। फिर आपके ट्रीटी ऑफ चंपानेर होती है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ये आप इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कुतुबुद्दीन जब सुल्तान बनता है गुजरात का, उसके बीच में और महमूद खिलजी जो मालवा का सुल्तान बनता है बाद में, उसके बीच में हुई थी, तो एक तरफ गुजरात और दूसरी तरफ आपके मालवा, ठीक है, तो इन दोनों ने जो आपस में संधि की थी क्या कि भाई ये मिलकर मेवाड़ को हराएंगे, और उसके बाद मेवाड़ को जीतने के बाद ये दोनों आपस में मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला अगर राजस्थान में देखते हो तो मेवाड़ वाला जो साउथ पार्ट पार्ट आता है ये पूरा मेवाड़ का पार्ट आता है, ये गुजरात का पार्ट आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके मालवा का पार्ट आ जाता है, तो इन्होंने दो जगह वॉर फ्रंट खोलने की कोशिश की कि दो जगह से अटैक करेंगे और उसके बाद मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे, आधा इस तरफ आ जाएगा मालवा के पास और आधा आ जाएगा गुजरात के पास, तो इनका प्लान था, लेकिन भाई कुंभा वॉज फॉरवर्ड लुकिंग रूलर, काफी उसकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट जैसे कि मैंने बताया आपको बहुत अच्छी थी, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, सारे गुरु थे वो, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गुजरात के सुल्तान से बात की और कुतुबुद्दीन को इस वॉर से हटा दिया, और फिर मालवा को दोबारा से हरा दिया उन्होंने, तो मालवा को पूरी तरह से कंट्रोल में, हमेशा अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा मालवा को उन्होंने इस वॉर बैटल इस पूरे अपने टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, तो उन्होंने ही सक्सीडेड इन डिवाइडिंग गुजरात एंड मालवा आपस में, ठीक है, उनके अंदर फ्यूड पैदा कर दिया और बाद में मेवाड़ को और मालवा को पूरी तरह से हरा के और दमन किया पूरा उसका आपने महमूद बेगड़ा का, तो ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर, ठीक है। अब कुंभा की डेट, कुंभा को देखिए उन्माद रोग हो गया था, दैट इज काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, तो मेंटल डिजीज थी, एक मेनियाकिज्म हो गया था उनको, तो बहुत ज्यादा कहीं बैठते थे, कभी सुन न जाया करते थे, एक तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर कह सकते हैं उसको आप उन्माद रोग को, टुवर्ड्स लास्ट डेज, और फिर इनकी हत्या इनके ही बेटा उदा राव, राणा उदा ने हत्या कर दी थी इनकी, और जो एक वहां पर एक सरोवर है कुंभलगढ़ में जिसको मामदेव सरोवर कहते हैं, ठीक है, मामदेव, मामदेव सरोवर के पास ही इनकी हत्या कर दी थी, जहाँ कुंभा का कुंभश्याम मंदिर भी है ना, कुंभ स्वामी मंदिर, सॉरी कुंभश्याम, कुंभ स्वामी आपके चित्तौड़ के अंदर है, कुंभश्याम मंदिर जो है वो आपके कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर है, तो वहां पर उन्होंने वो बैठा 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 रहता था कुंभा, वहीं ज्यादातर रहता था, तो उसके पास ही मामदेव सरोवर के पास राणा उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या कर दी थी वहां पर, तो कुंभा इस तरह से डेथ हो जाती है, लेकिन उसके अलावा कुंभा के बहुत से काम हैं जो पूछे जाएंगे, महाराणा कुंभा आर्किटेक्चर, ठीक है, तो ये ध्यान रखें महाराणा कुंभा आर्किटेक्चर, तो कुंभा ने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे ताकि मेवाड़ को सुदृढ़ किया जा सके, मेवाड़ को सिक्योर किया जा सके, और उनके जो दरबारी जो आर्किटेक्ट थे शिल्पी मंडन, शिल्पी मतलब होता है आर्किटेक्ट, ठीक है, तो उनका नाम ही शिल्पी मंडन पड़ गया था, तो ये इसी इन्होंने इनकी हेल्प से बहुत सारे इन्होंने फोर्ट बनवाए थे। श्यामल दास वीर विनोद के अंदर कहते हैं कुंभा ने अपने लाइफ टाइम में 84 फोर्ट बनवाए थे, 84 फोर्ट्स, ठीक है, 32 फोर्ट, सॉरी, जो राजस्थान में टोटल 84 फोर्ट्स हैं उसमें से 32 फोर्ट कुंभा ने बनवाए, लेकिन ये थोड़ी सी एक अतिशयोक्ति कह लीजिए आप, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एक आदमी अपने लाइफ टाइम में इतने फोर्ट्स वगैरह बनवा सके, इतना पैसा वगैरह खर्च कर सके वो, तो थोड़ा सा वो लगता है, हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को रेनोवेट करवाया था, छोटे बड़े कई सारे फोर्ट्स को रेनोवेट करवाया था, तो ये हम मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऑल टुगेदर 32 फोर्ट्स इज क्वाइट बिग नंबर, विच आई पर्सनली बिलीव कि वो पॉसिबल नहीं हो सकता,
ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने अचलगढ़ और कुंभलगढ़ और बहुत चित्तौड़ और बहुत सारा रेनोवेशन करवाए थे वहां पर, तो इन्होंने मजबूत मजबूत किया था मेवाड़ की जो पूरी बाउंड्री, सिक्योर किया था पूरा, काफी काम किया था इन्होंने उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फोर्ट है कुंभलगढ़ फोर्ट है, ये आपके पूछा जाता है आपके आर्किटेक्चर के अंदर भी, ये मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आर्किटेक्चर में पढ़ाऊंगा ऑलमोस्ट चीजें सेम रहेंगी, तो फोटोज वगैरह डाल के थोड़ा मैं आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। वैसे फोटो मैंने यहाँ भी डाली है, बट हम एक फोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, आगे भी करवाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुंभार आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आए तो पूरा आप मेंस के अंदर एज इट इज उतार कर आ सके, ये मेरा आइडिया है इसको पढ़ाने का, ठीक है। तो कुंभलगढ़ का फोर्ट कंस्ट्रक्शन शुरू होता 1443 के अंदर और 1459 में जगह खत्म हुआ था ऐसा कंस्ट्रक्शन, और कुंभा ने अपनी वाइफ कुंभल देवी उनकी याद में इसको बनवाया था, ठीक है, इन इज मेमोरी, इन दी वाइफ ऑफ इज इन दी मेमोरी ऑफ इज वाइफ कुंभल देवी। और जो कुंभलगढ़ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर उन्होंने कटारगढ़ का दुर्ग बनवाया जो इसका रेसिडेंस भी था, ठीक है, जो कुंभा का रेसिडेंस था, और इसका जो चीफ आर्किटेक्ट था वो शिल्पी मंडनी था जो वो बताया जो कुंभा का जो आर्किटेक्ट था वो, और मामदेव टेम्पल इसने बनवाई यहाँ पर, पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार है वो यहीं पर सिचुएटेड है, ध्यान रखिएगा ये आगे आएगा, ये रायमल का जो पुत्र आता है पृथ्वीराज उसके बारे में, जिसको उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि घोड़े बहुत तेज चलाते थे तो इसलिए उड़ना राजकुमार कहते थे। कुंभ स्वामी विष्णु टेम्पल ये यहाँ पर हो है कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर, लोकेटेड इन दिस फोर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और झाली रानी का मलिया महल ये भी इसी फोर्ट के अंदर है, तो ये सारे कटारगढ़ के अंदर है विद इन कुंभलगढ़, तो ये कुंभलगढ़ के बारे में पूरा आर्किटेक्चर के जो मेन मेन आर्किटेक्चरल पॉइंट्स हैं वो बताए हैं। और कुंभलगढ़ के लिए अबुल फजल ने कहा था कि इतना ऊंचा है कि इसको देखने से आपके सर की पगड़ी गिर सकती है, सो हाई दैट वंस चबल विल फॉल इफ यू अटेम्प्ट टू लुक इट अप, अगर आप नीचे से खड़े कुंभलगढ़ को देखना चाहेंगे तो आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी और आपकी सर से पगड़ी गिर जाएगी। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस फोर्ट को एट्रुस्कन फोर्ट ऑफ रोम से तुलना की है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, तो वो है आपका कुंभलगढ़ फोर्ट, तो ये ध्यान रखिएगा। कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने क्या क्या ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बनकर आ सकता है कि किसने किस कबुल अबुल फजल ने किस फोर्ट के लिए कहा है और कर्नल जेम्स टोड ने किस फोर्ट के लिए कहा है कि एट्रुस्कन फोर्ट आपके जो रोम के अंदर है तो उससे मिलता जुलता फोर्ट है, वैसा ही उसके बहुत सुदृढ़ इसकी प्राचीर है, जो इसका बैटल डोर है, जो रैमपार्ट्स हैं बहुत मजबूत हैं, तो वो जैसे कि हाँ ये देख लीजिए, तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में है। अब ये कुंभलगढ़ फोर्ट की जो प्राचीर, अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे नीचे से तो ये बहुत ऊंचा फोर्ट है और आपकी पगड़ी गिर जाएगी, अगर पगड़ी लगा रखी होगी आपने तो, दैट्स व्हाट इज मेंट। और यहाँ ऊपर टॉप पर कटारगढ़ बना हुआ है ये, और इनफैक्ट ये जो इसकी जो परकोटा है, ये बैटल डोर है, ये सब आई थिंक चाइना वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे बड़ी चौड़ी कोई वॉल है इंडिया के अंदर तो, या वर्ल्ड के अंदर, तो यही बैटल डोर है, ठीक है। यहाँ पर एक साथ कहा जाता है ऐसा कि एक साथ 6 घोड़े 6 horses साइड बाई साइड साइमल्टेनियसली चल सकते हैं इसके ऊपर, इतनी बड़ी चौड़ी इसकी जो बैटल जो जो परकोटा है वो इतना चौड़ा है इसका, और काफी लंबा परकोटा है, आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड से लेकर और पूरा टॉप तक ये परकोटा यहाँ तक जा रहा है, ये तो एक ध्यान रखिएगा इस चीज को पूरा, ठीक है, करीब 2.5 किलोमीटर का परकोटा है ये पूरा, तो ये एक बहुत चीज मेंशन है इसके बारे में। और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो यहाँ पर हुए थे, पन्ना धाय जब उदय सिंह को बचा के लाई थी बनवीर से, जब आपके उदय सिंह के विक्रमादित्य के पुत्र थे और बनवीर जब अपना ये हम इसको आगे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो वो जब वो कंट्रोल लेना चाह रहा था तो वो कुंभलगढ़ पन्ना धाय बचा कर लेकर आ गई थी अपने पुत्र चंदन की, उन्होंने बलि दी थी इसलिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और कुंभलगढ़ का जो गार्ड था, जो उसका द्वारपाल जो द्वार रक्षक था आशा देवपुरा, उन्होंने इसका लालन पालन किया था, किसका, उदय सिंह का, ठीक है। और उदय सिंह का जो राजतिलक हुआ था, कोरोनेशन हुआ था, वो भी यहीं पर हुआ था 1537 के अंदर। महाराणा प्रताप का बर्थ भी प्रतापगढ़ के अंदर ही हुआ, कटारगढ़ के अंदर हुआ था यहाँ पर 1540 के अंदर। और महाराणा प्रताप ने जब हल्दीघाटी की बैठक की प्लानिंग करती है, प्रिपरेशन किया था, वो भी उन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट से ही शुरू किया था। इनफैक्ट महाराणा प्रताप ने अपना जो शासन शुरू किया था मेवाड़ का, वो भी कुंभलगढ़ फोर्ट से ही शुरू किया था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में, है ना। तो 1576 की बैटल के बारे में तैयारी जो हुई थी वो भी महाराणा प्रताप ने यहीं से की थी। चलिए, अब इसके अलावा महाराणा कुंभा ने कौन कौन से फोर्ट बनवाए थे। एक तो बसंती फोर्ट था, इसको बसंतगढ़ फोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये सिरोही के आसपास बनवाया था ताकि मेवाड़ का जो वेस्टर्न बॉर्डर है इसको ये बचा के रख सके। अचलगढ़ फोर्ट, ये फोटोग्राफ अचलगढ़ फोर्ट की है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अचलगढ़ फोर्ट ऐसा ही दिखता है। तो अचलगढ़ फोर्ट इन्होंने बनाया था 1443 में आबू के लिए, जो कि ये एक परमार्स का, एक्चुअली अब ये कहा जाता है कि अचलगढ़ फोर्ट का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था, रेनोवेट करवाया था। ये पहले से फोर्ट मौजूद था, उसकी रूइंस पहले मौजूद थी, तो परमार जो राजधानी, परमार्स की राजधानी थी आबू, तो वहां पर भी इन्होंने बाद में कंट्रोल में मेवाड़ के आगे थी, तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करा दिया था, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने बैराट फोर्ट बनवाया था बदनौर के पास, ये जो आपकी गुजरात बाउंड्री है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो मेर ट्राइब थी, जो मैंने बताया था ना मेदपाट, जिसको जो उदयपुर को मेवाड़ को मेदपात की मेर या मेयो जो ट्राइब थी वो रहा करती थी यहाँ पर, तो उनसे बचाने के लिए, उसकी मजबूती प्रदान करने के लिए मेर को, तो उन्होंने बैराट फोर्ट बनवाया था। इसके अलावा उन्होंने भोमट फोर्ट भी बनवाया था,
भूमट फोर्ट बनवाने का आइडिया था ताकि ये भील जो थे वहां के भूमट के, भूमट वाला जो एरिया आपने पता है ना, भूमट का मैदान, छप्पन का मैदान, भूमट का मैदान जो हम आगे करेंगे आर्किटेक्चर आर्ट उसके अंदर, तो वहां पर उनको उसको बचाने के लिए, उस भील्स के ऊपर कंट्रोल अपना मजबूत करने के लिए उन्होंने भूमट फोर्ट बनवाया था, क्योंकि वो टाइम टू टाइम भी थ्रेट करते रहते थे बीच बीच में। हालांकि भील्स का और महाराणास का एक पुराना रिश्ता रहा है, मैंने दिखाया था आपको रॉयल एम्बलम, जो रॉयल सील थी वो बता रखी थी उसके बारे में कि ये बहुत रॉयल सील के अंदर भील एक तरफ है और एक तरफ महाराणाज हैं, तो उनका जो राज से लगे वो सारे भील के जो चीफ्टन है सरदार हैं वही करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो जो पावर थी वो चेक करने के लिए इन्होंने भूमट फोर्ट का निर्माण करवाया था। तो ये इनके बारे में था। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है आर्किटेक्चर कुंभकर्ण का, वो बनता है विजय स्तंभ का, जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है, और इसी के अंदर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी बनी हुई है, तो इसलिए कहते हैं। अब कुंभा ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनवाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है, और ताकि अपनी सारंगपुर की बैटल की जीत हुई थी उसके ऊपर, ठीक है। हालांकि कुंभा ने विजय स्तंभ कुंभलगढ़ में भी बनवाया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विजय स्तंभ कुंभलगढ़ के अंदर भी है क्या, तो ये क्वेश्चन भी एक अगर स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आ गया तो वहां पर भी है, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी कोई भी बात करता है वो आपके हमेशा कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ वाले की बात करता है, क्योंकि यही ज्यादा फेमस है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन 1440 के अंदर हुआ था और शुरू, और ये 1448 में जाकर कंप्लीट हुआ था, और इसकी जो प्लानिंग थी, जो पूरा कंस्ट्रक्शन का था, वो काम किया था आपके जैता, नापा, पोमा और पूंजा। तो ये चार नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी बनाई थी, ठीक है। तो जैता, नापा, पोमा, पूंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये 30 फुट लंबा चौड़ा पिलर है जिसकी हाइट 122 फीट है और 90 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। अब ये सारी चीजें देखिए, ये आपके लिए तब काम में आती है जब 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो जो जो चीजें मैंने बताई हैं सारी की सारी आप मेंशन करके आइएगा, यहाँ पर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इनफैक्ट आई कैन गाइड, आई कैन कमिट दैट कि आपको 4-4.5 नंबर, हो सकता है 5 नंबर भी दे, पर मिनिमम 4 नंबर तो देगा अगर आप सारी चीजें लिखकर आओगे तो, ठीक है। तो 90 लाख रुपए इस पर खर्च हुए थे। इसके अंदर 9 फ्लोर है, इसको नौखंडा महल भी कहते हैं, इसीलिए 157 कर्व्ड स्टेप्स है, मतलब घुमावदार सीढ़ियां हैं इसके अंदर, क्योंकि अंदर जाती है ना तो ये घूमती हुई जाती है इस तरह से, ठीक है। तो घुमावदार सीढ़ियां हैं इसके अंदर इस तरह की, ठीक है। और जितना भी पूरा का पूरा पिलर कीर्ति स्तंभ है उसके हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सजा हुआ है पूरा, ठीक है। और इसीलिए इसको भारतीय वास्तुकला का, भारतीय शिल्पकला का शब्दकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर आर्ट भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज फैक्चुअल आपको बताई। इसके अलावा यहाँ पर विष्णु की मूर्ति है, बहुत बड़ी आदमकद मूर्ति है, जो इसका बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर, ठीक है, तो इसीलिए इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। तो कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ जो आपके चित्तौड़गढ़ का, दूसरा नाम विष्णु ध्वज भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये चीज भी मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा हर देवी देवता का नाम नीचे लिखा हुआ है, जिस भी देवी देवता की मूर्ति बनाई उसका नाम नीचे लिखा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड, अल्लाह का नाम 9 बार लिखा हुआ है अरबिक के अंदर, और तीसरी मंजिल पर, इसकी जो तीसरी फ्लोर है तो उसके पिलर के ऊपर अल्लाह का नाम 9 बार लिखा हुआ है, तो ये चीज आप जरूर मेंशन कीजिए। मुझे येलो कर देनी चाहिए थी बट ये हुई नहीं, बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा कि ये आप मेंशन करें इन चीजों को, ठीक है। और इसको राणा महाराणा स्वरूप सिंह के टाइम पर इसको दोबारा रेनोवेट किया गया था, थोड़ी सी जीर्ण शीर्ण हो गई थी इसलिए दोबारा रेनोवेट किया गया था, अब भी टाइम टू टाइम इसका रेनोवेशन चलता रहता है। इसके अलावा जो विजय स्तंभ है, दैट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उनके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत, इंटरनेशनल मूवमेंट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट था। एक अभिनव भारत समिति बनी थी, ठीक है, तो उसके अंदर ये कहा जाता था कि वो जब लोग कोई उसका मेंबर बनता था तो विजय स्तंभ के पास आकर शपथ लेनी पड़ती थी उसको, क्योंकि इसीलिए ये एक तरह से जो सुल्तान्स को हराया था आपके सारंगपुर की बैटल में, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक मॉन्यूमेंट निकल के आया था जो यूनिटी के लिए था और बहुत एक स्ट्रेंथ के लिए था, तो इसीलिए अभिनव भारत समिति ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे 5 में क्वेश्चन पूछ ले तो 5 में से 5 नंबर आएंगे आपके, आपकी राइटिंग थोड़ी ठीक होनी चाहिए, तो 5 में से 5 है, वरना 4.5-4 नंबर पक्के हैं। तो ये आप कीर्ति स्तंभ सिर्फ यहां से पढ़ना, कहीं से मत पढ़ना, आपका पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। अब आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये भी मैं पूरी करवा देता हूँ यहाँ पर आपको। इसके अंदर संस्कृत के बहुत सारे श्लोक लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, इसकी 5वीं मंजिल पर है आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इस विजय स्तंभ जो उसकी 5वीं मंजिल थी वो लिखी हुई है, आई थिंक यहाँ पर मैंने मेंशन किया होगा, ठीक है, लेकिन अभी तक इसके सिर्फ 2 ही जो शिलालेख है वो बचे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके जो लेखक थे, जो कंपोजर थे, वो अत्री थे, और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था महेश, अत्री महेश, इन्होंने पूरी की थी, ये चीज लिखी होती है। और इसके अंदर आपके हमीर, खेता, मोकल और कुंभा की जो अलग अलग जीते थी, विक्ट्रीज थी, सपाद लक्ष्य यानी चौहानों पर, सांबर के चौहान, सपाद लक्ष्य के चौहान उनके ऊपर, नारायणा पर, वसंतपुर पर, वसंत यानी बसंत हुए की बसंतगढ़ सिरोही वाले, उसके अलावा आबू, तो इनके ऊपर जो विक्ट्रीज थी हमीर की, खेता सिंह की, राणा मोकल की, राणा कुंभा की, तो इनके बारे में सारी जानकारी मिलती है आपको इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। इसके अलावा यहाँ पर अलग कई सारे मंदिरों के बारे में जानकारी है, कई सारे रास्ते जो यहाँ से होकर आए जाते थे कि मेवाड़ के, बहुत सारे जो जलाशय बने हुए, रिजर्वायर्स बने, मामदेव का हो गया इस तरह के, और कई जो गेट बने, जो रास्ते थे, गणेश पोल है,
और उत्तर पोल है, ये सारे जो इस तरह के जो रास्ते उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। और इसके अलावा कुंभा के जो कई सारे टाइटल्स हैं, महाराजा दिराज, राय राणा, राणो रासो, हाल गुरु, छाप गुरु, कई तरह से इसकी जो कई सारे विरुद्ध टाइटल्स को हिंदी में कहा जाता है विरुद्ध, वो मिलते हैं कुंभा के इसके ऊपर लिखे हुए, ठीक है। साथ ही कुंभा ने जो कई सारे जो किताबें लिखी थी, जो टेक्स्ट लिखे थे, चंडी शतक हो गया, रसिक प्रिया टीका हो गया गीत गोविंद के ऊपर, और संगीत राज, तो ये सारे जो उनके उनके जो टेक्स्ट थे उसके बारे में भी उनके भी टाइटल्स वहां पर लिखे हुए हैं, कुंभा ने कौन कौन चीजें लिखी थी। तो सारी कुंभा के बहुत सारी इनको प्रेज करती हुई कीर्ति से प्रशस्ति बनी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महाराणा कुंभा एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, जो मेंस के अंदर बनता है, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर बता दिए। कुंभ श्याम टेम्पल, कुंभ स्वामी आपको मैंने बता दिया था कुंभलगढ़ फोर्ट में था, कुंभ श्याम टेम्पल जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में था वो कुंभा ने बनवाया था, और कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर ही विष्णु के 24 जो कलाएं हैं, जो 24 फॉर्म्स ऑफ विष्णु, उसके बारे में 24 मूर्तियां बनी हुई है कुंभलगढ़ स्टैचू फोर्ट के अंदर, कई सारे स्टैचूज बने हुए, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा श्रृंगार चंवरी टेम्पल जो है वहां पर, तो वो बनी हुई है, जो कि एक जैन टेम्पल है, लेकिन क्योंकि इट वॉज बिल्ट बाय मिनिस्टर ऑफ कुंभा वालोक, जो एक जैन मिनिस्टर थे, जैन मंत्री थे कुंभा के टाइम पर, वालोक, उन्होंने बनवाई थी, जो शांतिनाथ को समर्पित है, ठीक है, श्रृंगार चवरी, और जो जैनियों के 17 तीर्थंकर थे शांतिनाथ जी, ठीक है। तो तीर्थंकर के अंदर पहले आदिनाथ जी थे, उसके बाद आप 24वें महावीर जी थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, ऐसे 17वें जो थे वो शांतिनाथ जी थे, तो इनका इनके बारे में आपको जानकारी मिलती है यहाँ पर। एक है मीरा मंदिर, ठीक है, जो कि एकलिंग जी के पास बना हुआ है, इसको पहले कुंभ श्याम टेम्पल कहते थे लेकिन बाद में मीरा मंदिर बन गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। इसके अलावा रणकपुर का जो मंदिर है वो, ये एक जैन सेठ था धर्नक शाह, उसने बनवाया था 1439 में 39 के अंदर। और इसका जो चौमुखा मंदिर है वो देपाक जो मिस्त्री था, हालांकि ऐसा कहते हैं कि रणकपुर का जो मंदिर था वो भी देपाक ने बनवाया था, और जो रणकपुर प्रशस्ति है वो दीपा ने बनाई थी। अब ये दीपा और देपाक एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, नामों के अंदर अलग अलग भी हो सकते हैं, पर ये क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर, हम मान के चलते हैं कि एक ही व्यक्ति है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमसे मतलब मैं नहीं, जो हिस्ट्री मान के चलती है, दोनों एक ही व्यक्ति मान के चलती है, ठीक है, हमसे मतलब आप और मैं, मेरे को मत ले लीजिएगा, ये जो हिस्ट्री मान के चलती है वो, ठीक है। और कुंभा ने एक जोगिनीपुर का मंदिर बनवाया था जावर के अंदर, जिसका पुराना नाम योगिनीपट्टन था, तो ये ध्यान रखिएगा कुंभा का। और राणा कुंभा ने एक कुशला माता का मंदिर बनवाया था बदनौर भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में मैंने मेंशन कर दिया, क्योंकि आप लोग कीर्ति स्तंभ के अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हालांकि है दोनों चित्तौड़ के अंदर ही, ठीक है, लेकिन आपके जैन कीर्ति स्तंभ वो 11th सेंचुरी की बिल्डिंग है, ठीक है। और ये जो पिलर बना हुआ है, ये खासवान पिलर, इसको खासवान पिलर, खासवान स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, खवासान, सॉरी ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड मैं क्लियर करके बता देता हूँ आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, वन सेकेंड, ठीक है। तो ये खवासान स्तंभ भी कहते हैं इसको, यहां मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे, खवासा स्तंभ, ठीक है, तो इसको ये भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बघेल वंशीय शाह जीजा ने बनवाया था 11th सेंचुरी में, ध्यान रखिएगा इसको। और जो मैं बात कर रहा हूँ आपके व्यक्ति जो कीर्ति स्तंभ की, वो बनाए आप जो चुंबा वाला, वो बनाए आपकी 15th सेंचुरी में, 1440 के बाद में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर आदिनाथ जी की बहुत सारी मूर्तियां हैं, किसमें, जैन कीर्ति स्तंभ में। इसमें 7 मंजिलें हैं, 75 फुट की इसकी हाइट है, और ये जो कीर्ति स्तंभ का विजय स्तंभ है, सॉरी विजय स्तंभ जो चित्तौड़ मंदिर का है, उसके सामने लगा हुआ है, इसकी फोटो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो ये कीर्ति स्तंभ अलग है, ये जैन कीर्ति स्तंभ है, ठीक है, और वो कीर्ति स्तंभ जो विजय स्तंभ है वो प्रशस्ति, और वो एक है वो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ के ऊपर बने हुए, 5th फ्लोर के ऊपर, तो वैसे ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका कीर्ति, जैन कीर्ति स्तंभ, ये ध्यान रखिएगा, जो विजय स्तंभ के सामने बना हुआ है, ठीक है, ये जैन कीर्ति स्तंभ की मूर्ति है। ये आपका जो मीरा मंदिर है, ठीक है, ये वो मीरा मंदिर है जिसको कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। ये आपका संबितेश्वर वाला मंदिर है, ये सॉरी, ये आपका कुंभ श्याम टेम्पल जो है, ठीक है, ये वाला कुंभ स्वामी टेम्पल जो है इनका वो है। ये आपका श्रृंगार चवरी की फोटोग्राफ है, यहां मैं लिख देता हूँ श्रृंगार चवरी, ठीक है, ये आपका हो गया आपका मीरा मंदिर, ठीक है, ये आपका हो गया जैन कीर्ति स्तंभ, तो इसीलिए मैंने आपको अलग से लिख दिया, 11th सेंचुरी की बिल्डिंग है, जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है। और ये आपका रणकपुर का टेंपल हो गया, जो देपाक या दीपा ने बनवाया था, ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति भी यहीं पे लगी हुई है। तो ये सारे मंदिर पूरे हो गए यहाँ पर आपके जो बनाए थे कुंभकालीन, ठीक है। अब कुंभा के बारे में ये जो क्वेश्चन बनता है वो लिटरेरी टेक्स्ट का है, कि उन्होंने कौन कौन से साहित्य जो लिखे थे उनके बारे में, कुंभा ने कौन कौन से लिखे थे, तो उसके बारे में। तो एक बनता है आपके संगीत राज, इसके ऊपर क्वेश्चन अलग से बनता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में अकेला संगीत राज आ सकता है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट ऑफ कुंभा जो उन्होंने लिखा है, ठीक है। और इसके अंदर हिंदुस्तान जो भारतीय संगीत है उसके जो तीनों जो पार्ट्स हैं,
गायन वादन और नृत्य, गायन वादन और नृत्य यानी सिंगिंग परकशन और डांसिंग, तो उन तीनों के बारे में बताया गया है। इट इज द बेस्ट टेक्स्ट कंपोज बाय कुंभा, बेस्ट लिटररी टेक्स्ट कंपोज बाय कुंभा, और इसके पांच पार्ट हैं, इसके पांच पार्ट हैं जो कि एक कहता है पाठ्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश और रास रत्नकोश, ठीक है, रास लीला वाला रास रत्नकोश। तो ये पांच चीजें आप ये लिख के आ जाएंगे, पांच में से पांच नंबर भी मिल जाएंगे आपको और दो में से दो नंबर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए चलिएगा आप इसको लेकर। इसके बाद में आती है आपके रसिक प्रिया, जो गीत गोविंद की कमेंट्री है रसिक प्रिया टीका। इट इज इसके अंदर जितने भी राग रागिनियां हैं, ऑल राग एंड रागिनीज, जो कि हर गीत गोविंद के बाद हर उसपे दोहे पे गाई जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में कुंभा ने इसको बनाया, दे वर फिक्स्ड बाय राणा कुंभा हिमसेल्फ, तो उन्होंने खुद ने पूरा इसके बारे में जानकारी लिखी थी। इसके बारे में ये कहते हैं सूंड प्रबंध, जो बुक है उनकी, सूंड प्रबंध के अंदर दिस गिव्स अ मेजर डिस्क्रिप्शन अबाउट द सॉन्ग्स एंड रिदम ऑफ वर्सेस ऑफ गीत गोविंद, मतलब जितना भी जो लय और ताल, सुर और ताल वाली बातें हैं उसके अलावा वो बनाई जाती है, और जितने भी रॉयल म्यूजिशियन थे कुंभा के उनके उसके अंदर नाम मौजूद हैं, ठीक है, थीके? और जो कुंभा के फॉर्मर टीचर्स थे उसके बारे में, गाने के उसके बारे में चीजें पूरी डिटेल्स मेंशन है, कौन कौन है, सूंड प्रबंध उन्होंने इसलिए लिखा था। कामराज रतेसार, काम शास्त्र पर बुक है उनकी, द आर्ट ऑफ लव मेकिंग, जिसको हम काम सूत्र भी कहते हैं, जो वात्स्यायन ने लिखी थी उसी की तरह से इन्होंने रेप्लीकेट करी है, रेप्लीकेट मतलब खुद की उन्होंने एड ऑन्स किए हैं जो जो चीजें बताई हैं और ट्रांसलेट भी किया है, ठीक है, तो जो वात्स्यायन की जो काम सूत्र थी उससे इंस्पायर्ड बुक है आर्ट ऑफ लव मेकिंग की, काम शास्त्र कामराज रतेसार, ठीक है। तो ये बारे में जैसे जो आपके जो लॉर्ड ऑफ लव मेकिंग है, जैसे अगर आप इंग्लिश में जाएं तो क्यूपिड कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं कामदेव और उनकी पत्नी थी रति, जिसको शिव जी ने भस्म कर दिया था कामदेव को अपने त्रिनेत्र खोलकर, तो वो वाली कामराज रतेसार उसके ऊपर थी, ठीक है। इसके अलावा जो और भी कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, तो संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर टीका, संगीत सुधा, हरिवर्तिक, चंडी शतक टीका, संगीत कर्म दीपिका, वाद्य प्रबंध, तो ये सारी की सारी बुक्स कुंभा ने लिखी है। तो ये आप जितनी भी पांच छह तो बुक्स ये है और उसके अलावा चार और ऊपर बताइए मैंने, तो ये सारी बुक्स आपको नाम रटे होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये प्री के अंदर पूछा जा चुका है, मेंस के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सूर्य प्रबंध वगैरह, सूर्य प्रबंध, ये सारी बुक्स आपकी पूछी जा सकती है। तो संगीत सुधा, ये संगीत सुधा वाला पूछा हुआ था क्वेश्चन प्री के अंदर, आई थिंक 16 वाले प्री के अंदर आया था ये, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सारी बुक्स आपको बता रहे, कुंभा बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। देखिए मेवाड़ की जब हिस्ट्री पढ़नी है आपको, मैं कुंभा जो राणास की बात कर रहा हूँ उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, अमर सिंह और राज सिंह, ये पांच राणा पढ़ने सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी के बारे में एक का उदयपुर वाला जो उदय सिंह है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है जो, और बाकी किसी ने क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया वो चीजें मैं आपको मेंशन करके बता दूंगा जो आने वाले जो लेक्चर है उसमें, ठीक है। कल हम मेवाड़ पूरी कंप्लीट कर लेंगे, सबसे बड़ी डायनेस्टी है तो काफी टाइम लगता है, तो आज सेकंड पार्ट करेंगे और कल थर्ड पार्ट में पूरी मेवाड़ डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएगी मोर और लेस, तो वो हम पूरा करेंगे। तो इसलिए ये सारे जो पांच छह रूलर इंपॉर्टेंट है बस पूरे मेवाड़ डायनेस्टी के, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में आप, और इनके ऊपर मेन में क्वेश्चन पक्का आएंगे, एक नए क्वेश्चन को दीजिए कुंभा के ऊपर, खासतौर से कुंभा, फिर प्रताप, फिर राणा सांगा, ठीक है। तो इनके ऊपर ये तीन टॉप थ्री हैं, उसके अलावा फिर आप थोड़ा बहुत देखे तो आप ये जो है आपके राज सिंह और अमर सिंह के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब का टाइम था ट्रीटीज वगैरह के ऊपर, तो वो क्वेश्चन बनते हैं, वरना कोई क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके अलावा जो कौन कौन से जो आर्टिस्ट थे, कौन कौन से कलाकार थे जो कुंभा के टाइम पर रहते थे, जिन्होंने कुंभा को जिन्हें कुंभा ने पेटर्न कर रखा था, ठीक है, जो कुंभा के आश्रित जो थे, जो कई साहित्यकार हो गए, कुछ स्कॉलर्स हो गए, तो वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले रमाबाई, तो रमाबाई तो कुंभा की डॉटर ही थी, बेटी थी उनकी, ठीक है, और एक बहुत ही जबरदस्त सिंगर थी, ठीक है, एमिनेंट म्यूजिशियन थी, और रमाबाई को वागीश्वरी कहा जाता है, जावर जो शिलालेख है जो आपको मैंने पहले बताया था, जावर इंस्क्रिप्शन के अंदर इनको वागीश्वरी कहा जाता है ना, और जो जिससे इनकी म्यूजिकल जो वटुता क्या कहते हैं इसको पटुता, हाँ म्यूजिकल प्रोवेस, तो पटुता के बारे में इनकी जानकारी मिलती है आपकी, ठीक है। और रामाबाई ने रामकुंड और राम मंदिर बनवाया था जावर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग नहीं जानते हैं, जावर का पुराना नाम योगिनी पट्टन था जो आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और रमाबाई की शादी एक यादव रूलर थे मंडलिक, उनके साथ हुई थी, जो जूनागढ़ के राजा थे, जूनागढ़ यादव के मंडलिक, और मंडलिक को महमूद शाह बेगड़ा ने हरा दिया था, ठीक है, और उसके उस बैटल को हारने के बाद महमूद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, ही एम्ब्रेज इस्लाम, किसने, मंडलिक ने, ठीक है। तो ये रमाबाई के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो दूसरे जो एक कोर्ट पोएट थे वो कान्हा व्यास, जो कुंभा के आश्रित कवि थे और एकलिंग महात्म में इन्होंने लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा एकलिंग महात्म में। इसके अलावा सारंग व्यास जो कुंभा के म्यूजिक टीचर थे, संगीत गुरु थे। अत्रि भट्ट ने आपको मैंने बताया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी, और महेश भट्ट उनका ही पुत्र था अत्रि भट्ट का, तो और उस कीर्ति स्तंभ का को ऑथर था, इनके मरने के बाद अत्रि भट्ट के बाद उन्होंने लिखी थी, ठीक है। इसके बाद आपके नाथा या नत्था, तो ये मंडन का छोटा भाई था, शिल्पी मंडन जो मैंने बताया आपको, इसने आर्किटेक्चर पे एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वास्तु मंजरी।
शिल्पी मंडन के बारे में अलग से पूरी चीज बताऊँ, शिल्पी मंडन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आ सकता है तो रमाबाई और शिल्पी मंडन दो के ऊपर आ सकता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको मैं आज ही बताऊंगा उसके बारे में, शिल्पी मंडन के बारे में सारी चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। मेरे नोट्स के बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ध्यान रखिएगा, मेंस में भी और प्री में भी, अगर प्री के अंदर भी आप इनको चार पांच बार पढ़ जाओगे तो एलिमिनेशन के थ्रू कैसे भी करकर आप इनको आराम से अपने एग्जाम निकाल लोगे, कहीं कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको चीजें अवेलेबल करवा सकता हूँ, सोर्सेज दे सकता हूँ आपको, चलिए। हाँ, फिर इसके अलावा एक थे गोविंद, गोविंद जो थे वो मंडन के पुत्र थे और उन्होंने कई बुक्स लिखी थी, जैसे कलानिधि, उद्धार धूर्णी, सार सामुच्चय और द्वार दीपिका, तो ये चारों बुक लिखी थी इन्होंने, गोविंद ने। इसके अलावा जैन मुनि थे एक कुंभा के, जो कुंभा के टाइम पे रहे थे, कुंभकालीन जैन मुनि, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, भुवन कीर्ति और सोमदेव, ये प्रोमिनेंट के जो जैन मंक्स थे, जैन मुनि थे उस कुंभकालीन वो थे। और कुंभा के टाइम पर जो साहित्यकार थे, जो उसके दरबारी साहित्यकार थे, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद सूरी, सोमदेव, ये सेम जो भी जो सेम नाम है वो जैन मुनि थे वही थे, ठीक है। भुव सुंदर सूरी और सुंदर सूरी, उसके अलावा माणिक्य, मंडन, गोविंद, नत्था, सारंग व्यास, ये सारे इनके साहित्यकार और जो संगीत और नृत्य गुरु थे। इसके अलावा एक कवि मेहा, ये एक पोएट था जो जिसने कुंभा के समय में तीर्थमाला लिखी थी एक, ठीक है, जिसके अंदर जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर 120 पिलग्रिमेज साइट्स, यानी जो आपके तीर्थ स्थल है उनके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये एक तीर्थमाला आपके इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, दो नंबर के अंदर मैक्सिमम, या फिर एक प्री के अंदर आ सकता है। इसके अलावा एक हीरानंद मुनि आते हैं, और हीरानंद मुनि को कुंभा के अपना गुरु मानते थे इनको, ठीक है, और इनको टाइटल कविराज का दिया था, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसको कविराज का जो पद उपाधि दी थी कुंभा ने, तो वो थे आपके हीरानंद मुनि को, ठीक है, ना कवि मेहा थे, ना इनके गोविंद और वो और लोग थे, तो कवि हीरानंद मुनि को दिए थे, इसीलिए चीज मेंशन करी है मैंने यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके जो आपके यहाँ पर सॉरी नंबर आई थिंक 12 होना चाहिए, ये 6th नहीं है, ये नंबर आपके 12 होना चाहिए यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिल्पी मंडन, अब शिल्पी मंडन थे वो एक खेता ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए थे और ये कुंभा के चीफ आर्किटेक्ट थे, और आर्किटेक्ट को उस टाइम पे कहा जाता शिल्पी, तो इनका नाम ही शिल्पी मंडन पड़ गया, ठीक है, वैसे इनका मूल नाम सिर्फ मंडन था, बट एक चीफ आर्किटेक्ट थे तो कुंभा के, तो उसके टाइम उनका नाम शिल्पी मंडन बन गया। और इन्होंने जो बुक्स लिखी है सारी इंपॉर्टेंट है, आप 3-4 इंपॉर्टेंट नाम याद रख लीजिएगा ताकि इनके बारे में क्वेश्चन आए तो आप उनके बारे में लिख सके, ठीक है। तो शिल्पी मंडन आप इन्होंने कुंभलगढ़ भी बनवाया था, आर्किटेक्चर उनका भी किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है इनके बारे में। प्रसाद मंडन लिखी थी जो कि मंदिरों के और क्या कहते हैं जो किले बनते हैं उनके बारे में था। राजवल्लभ मंडन जिसके अंदर आपको कैसे मकान बनाएंगे आम आदमी आम जनता के, कैसे राजमहल बनेंगे पैलेसेस बनेंगे और कैसे शहर की प्लानिंग होगी उसके बारे में है। रूप मंडन जो स्कल्पचर आर्ट वास्तुकला और या फिर शिल्प कला के बारे में थी, ठीक है। रूपवत्र मंडन जिसको देवमूर्ति प्रकरण भी कहते हैं कि कैसे आप किस तरह के इक्विपमेंट यूज करके भगवान की मूर्तियों को बनाओगे स्कल्पटिंग करोगे और कैसे उनको पधराओगे इंस्टॉलेशन मतलब पधराना कहते हैं ना हिंदी के अंदर कि उन मंदिर पधराते हैं मूर्ति पधराते हैं तो वो चीज़ कैसे करोगे, ठीक है। इसके अलावा वास्तुमंडन जो एक आर्किटेक्चरल टेक्स्ट है। इसके अलावा वास्तुसार यानी कि डिटेल्स रिलेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट बिल्डिंग्स एंड सिटीज ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कोदंड मंडन जिसके बारे में आर्चरी जैसे आप आर्चरी हुई धनुर्विद्या के बारे में, ठीक है। वैद्य मंडन रिलेटेड टू सिम्पटम्स एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस तो कैसे डिजीज कौन कौन से सिम्टम होते हैं डिजीज डायग्नोसिस कैसे की जाती है तो वो उन्होंने लिखा था। और एक शकुन मंडन जो गुड एंड बैड मैन अब शकुन अच्छा शकुन इसके बद शकुन जो होते हैं ना शुभ शकुन है अच्छा शकुन है उसके बारे में तो कौन से किस को एस्ट्रोलॉजिकल आस्पेक्ट को कंसिडर करके कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है तो शकुन मंडन से मिलती है तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये कुंभा के बारे में पूरे यहाँ पे आपको मैंने हिस्ट्री पूरी कुंभा की कंप्लीट करवा दी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था पूरे राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मेवाड़ का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहा कुंभा बहुत काम किए थे इन्होंने इसीलिए तो कुंभा के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ा तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा और ये मेरे को ही नहीं आपको भी पढ़ने पड़ेंगे इफ यू वांट टू क्लियर एग्जाम प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं है दो चार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा उसके बाद आराम से आप खुद ही खेच जाओगे इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब आप पढ़ते हैं महाराणा उदय और महाराणा रायमल के बारे में। तो जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुंभा को उन्माद रोग हो गया था मानसिक उन्माद रोग और उसके बाद उनका जो बड़ा बेटा था उदा उसने उनकी हत्या कर दी थी मामदेव सरोवर के पास जो आपको मैंने बताया स्टार्टिंग के अंदर। तो उदा को मारने के बाद जो कुंभा का दूसरा बेटा था रायमल उसको पता लगा और वो उस टाइम पर ईडर में रहता था तो वो अपनी सेना लेकर और इसके मेवाड़ के पास आ गया इससे लड़ने के लिए और इनके बीच में दादिमपुर का युद्ध हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा दादिमपुर का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था रायमल राणा रायमल महाराणा रायमल और महाराणा उदा के बीच में हुआ था फॉर दी सक्सेशन ऑफ मेवाड़ एक तरह से ऐसे मान लीजिए जिसमें रायमल ने उदा की फोर्सेस को हरा दिया था। और इनके बारे में एक बहुत दोहा बड़ा फेमस है कुपलिट कि उड़ा बाप ना मारी जे लिखिया लाभे राज
देश बनायो रायमल सरयो न एको काज, ठीक है। तो मतलब कि उदा ने बाप को मार दिया और जब अपने परिवार की लाज नहीं रखी, ठीक है, और राज के लाभ में उसने ऐसा कर दिया। और जब रायमल वापस आता है, उसने अपने बाप की जो डेथ है उसका बदला लेता है, और एक भी ऐसा काम नहीं छोड़ता जो उदा करना, जो एक रायमल करना, क्या नाम है उसका, कुंभा करना चाहते, तो उसके सारे काम उसको याद, आई मीन एक तरह से उनका जो वो बताती है कट कट कितना, हाउ मच ऑफ अ ओबीडियंट सन ही वॉज, ठीक है। तो ये अगर आप चीज मेंशन कर दो, अगर बाय चांस रायमल के बारे में क्वेश्चन आ जाए और ये दोहा आप मेंशन कर दो, तो एक अलग लेवल का आप आंसर लेकर आओगे उस चीज के अंदर, ठीक है। तो बाय चांस याद रह जाए तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत कम, दो तीन जगह मैंने ऐसे दोहे यूज किए हैं। एक यहाँ किया है, एक बाद में जो रणथंभौर का हम्मीर आएगा, तिरिया तेल हम्मीर चट चढ़े ना दूजी बार, वो इंपॉर्टेंट है, वो दोहा लिख के आएगा, उस पर क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाउ कैन दिस बी इजिली लर्न, दिस कैन इजिली बी लर्न इफ यू डू इट एटलीस्ट थ्राइस अ डे फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज एंड देन वंस अ वीक फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से याद होगा, इसके अलावा याद नहीं होगा, ठीक है। हाँ देखिए, वो तो आप जितनी बार रीड करेंगे उतनी बार आपके क्लियर क्लैरिटी आती जाएगी, तो वो आपको एक क्या करना पड़ेगा, छोटी चिट बनानी पड़ेगी और इनका सिर्फ एक लीनियज के नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, और वो आप पॉकेट में रख के घूम लो, देखो, चेक कर लो एक बार, 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर कट याद आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन फिर आपको ये चीज रिवाइज करनी पड़ेगी, एटलीस्ट वंस अ वीक आप रिवाइज करोगे लीनियज को, तो लीनियज याद करने का बेस्ट तरीका है, आप किसी के कोच ने क्या किया क्या नहीं किया कुछ याद मत रखो, जो लीनियज यहाँ मैंने आपको बताया उनका सिर्फ नाम लिख लो, एरो बना के फ्लो चार्ट टाइप बना के नाम याद रख लो, तो आपको एक लीनियज ध्यान रहेगी कौन सा वंशावली किसकी है। ऐसा ही आपको मेवाड़ के अंदर, ऐसे ही आपको मारवाड़ के अंदर, ऐसा ही आपको कछवाहा वंश के अंदर करना पड़ेगा, 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटे मोटे चलते रहेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं, पर बाद में कोटा और हाड़ा का इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा सा, तो वो आप याद रखना, अदरवाइज बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन उन्हीं में से पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, वो मैं बताता चल रहा हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप उनके लीनियज ध्यान रखना, तो आपको वो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी याद रखने के लिए। चलिए, अच्छा, अब एक चीज और कि अब रायमल के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि रायमल के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साहित्यकार थे, ठीक है, उसके टाइम पर, एक गोपाल भट्ट था, एक महेश भट्ट था, और एक बहुत जबरदस्त शिल्पकार था अर्जुन, जो उसे कोर्ट में रहा करते थे। तो ये रायमल का ध्यान रखिएगा आप, इसीलिए मेंशन किया मैंने, ये क्वेश्चन आजकल पूछते हैं आर्ट एंड कल्चर वाले, ठीक है। और बट लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो रायमल था वो अपने पिता की तरह बहादुर आदमी नहीं था, अच्छा डिप्लोमेट भी नहीं था, ठीक है। क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि जब उदा राजा बना था, तो उदा के टाइम पर आबू ने, तारागढ़ ने और सांभर मेवाड़ से अलग हो गए थे, पहले मेवाड़ के पार्ट थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाई राणा कुंभा की हत्या ऐसे कर दी थी, तो जो सामंत वगैरह थे वो बहुत एंग्री हो गए थे, दे वर वेरी एंग्री फ्रॉम उदा, तो वो अलग सीसीएट हो गए, सीसीड कर गए वहां से। लेकिन फिर इसने उदा में इतनी हिम्मत थी नहीं कि ले पाए, और लेकिन इतनी हिम्मत रायमल में भी नहीं थी कि भाई उदा के टाइम में चलो मानना अलग हो गए, लेकिन उनको बातचीत करके वापस से लेकर आए, तो वो उसने भी कोशिश नहीं की, उसने भी एफर्ट नहीं डाला, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा हीरोइक नहीं था। और इसके टाइम पर ही मालवा का सुल्तान था, उसने रणथंभौर का, टोडा का और बूदी का कंट्रोल कर लिया था, जो कुतुबुद्दीन था, ठीक है, तो वो नूर नसीरुद्दीन जो था, ठीक है, उसने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। और जो राव सुल्तान था, जो टोडा का राजा था, उसने कसम खाई थी कि मैं अपनी बेटी जो तारा है उसकी शादी उसके साथ करूंगा जो मेरे को टोडा वापस ला कर देगा। और राव सुल्तान के भागकर मेवाड़ आ गया था, जब मालवा ने कंट्रोल कर लिया था टोडा को, तो ये भागकर हाँ मेवाड़ आ गया था, ठीक है। और इसने कहा था कि मैं अपनी बेटी तारा की शादी उससे करूंगा जिससे है ना जो इसको ला देगा। अब राव सुल्तान, जो राव रायमल थे, उनके 3 बेटे थे, एक था इनका जैमल, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि आपको याद करने में आसान रहेगा, ठीक है। तो जो राव रायमल थे, जो कुंभा के पुत्र थे, उनके 3 बेटे थे और तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे याद रहेंगे मैं बता देता हूँ। एक था आपका रायमल, सॉरी, एक था आपका जैमल, जैमल, दूसरा था आपका पृथ्वीराज, ठीक है, और तीसरा था आपके राणा सांगा, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ा आपके ये था फर्स्ट पृथ्वीराज, सेकंड था जैमल और तीसरा था राणा सांगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब जैमल शादी करना चाहता तारा से, तो वो थोड़ा मिसबिहेव कर देता है उसके साथ, तो राव सुल्तान को गुस्सा आता है, वो जैमल की हत्या कर देता है, खत्म, बात कहानी इसकी। अब जो पृथ्वीराज होता है, अच्छा इससे पहले आपको एक चीज और बताता हूं मैं, जब ये रायमल जिंदा थे तो वो क्या करते हैं, तीनों को भेजते हैं अपने ऋषि के पास, जो राजगुरु थे उनके, उसके पास भेजते हैं कि जाकर पता करके आओ कि किसके बारे में क्या चीज लिखी हुई है, ठीक है, आई मीन फॉर्चून टेलिंग एक तरह से उसके लिए भेजते हैं। तो तीनों जाते हैं, तो अब जब पृथ्वीराज को के बात करते हैं, पृथ्वीराज को बोलते थे कि ये राजा नहीं बन सकता, ये राजा नहीं बन पाएगा, और जैमल का गुस्सा बहुत तेज था, तो ये भी राजा नहीं बन पाएगा। वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा क्वालिटी राजा बनने की सांगा के अंदर है, तो सांगा अब पृथ्वीराज क्या होता है, हालांकि जैमल तो इंडिफरेंट रहता है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पृथ्वीराज सबसे एल्डेस्ट सन था, तो बहुत चिढ़ जाता है, तो उसी टाइम तलवार निकालकर कुंभा की एक आंख फोड़ देता है, और कुंभा जान बचा के, सॉरी सांगा की, तो सांगा जान बचा के वहां से भाग जाता है, ठीक है। और ये कुछ टाइम के लिए मेवाड़ का रूलर बन जाता है।
अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, इसके अंदर भी कैलेबर नहीं था, तो ये बाद में भागकर सिरोही चला जाता है। अब वो आगे मैं कहानी बताता हूँ पूरी आपको क्या होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, तो जयमल की हत्या कर देता है कौन, राव सुल्तान। अब बाद में कहते हैं पृथ्वीराज जो होता है वो उस जिसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, ये उड़ना राजकुमार इसलिए कहते हैं घोड़ा बहुत तेज चलाया करता था, बहुत तेज स्पीड से घोड़ा भगाता था जैसे उड़ रहा हो, तो इसलिए इसको उड़ना राजकुमार कहा जाता था, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। तो इसी नाम ऐसे ध्यान रखना, अभी उपाधि पूछ सकते हैं कौन उड़ना राजकुमार था, ठीक है। तो ये टोडा जीत के देता है और इसकी शादी कर लेता है किससे, तारा से। इसी के नाम पर अजय मेरु दुर्ग, अजमेर का जो तारागढ़ फोर्ट है जिसको अजय मेरु दुर्ग भी कहते हैं, तो वो इसी के नाम पर बसा हुआ है, ठीक है, तारागढ़ जो बनाया था बसाया था, ठीक है। ये वाला पृथ्वीराज बनाता है इसको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आनंदाबाई जो थी, जो रायमल की बेटी थी, रायमल इनका बाप, तो ये तीन भाई थे और एक इसकी दो बहनें भी थी, वैसे तो 11 पुत्र थे, पुत्रियां थी इसकी रायमल की, लेकिन उसमें दो बेटियां थी, एक तो आनंदीबाई थी एक और थी। तो आनंदीबाई की जो रायमल की और जो पृथ्वीराज की बहन थी खासतौर से, इसकी शादी होती राव जगमाल और सिरोही से, ठीक है। तो ये जगमाल जो था वो इसका साडू था और बाद में पृथ्वीराज को यही मरवाता है, जब बताया था ना कि पृथ्वीराज भागकर सिरोही चला जाता है बाद में, तो सिरोही में चला जाता है किसके अगेंस्ट, सांगा के अगेंस्ट वो हेल्प मांगता है, लेकिन राव जगमाल इसको मरवा देता है, ठीक है, पॉइजन देकर, जो कि इसका भाई होता है आनंदी भाई का और ये इसका जीजा होता है। तो बहुत राजकाज के अंदर ये चीज़ चलती रहती है, यू कैन अंडरस्टैंड, किंगशिप नीड्स नो किनशिप, ये मैं कई बार लाइन बोलता हूँ, ठीक है। तो ये आप लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं अपने आंसर में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, मैंने कई बार मेन्स में यूज़ करी है एक दो बार। तो जो लाइन है वो ये है, किंगशिप नीड्स नो किनशिप, ठीक है। तो अगर आपको राज करना है तो आपको ये भाई भतीजा चाचा बेटा मामा नाना ये सब ऊपर उठना पड़ेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ किंग। तो किनशिप नीड्स नो किनशिप। और माओ ज़ेडोंग भी कहते हैं कि द पावर फ्लोस टू द बैरल ऑफ द गन, सत्ता उसी के हाथ में रहती है जिसके हाथ में बंदूक होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, पुराने टाइम से चली आ रही हैं चीज़ें, तो ये एक टर्म ये भी ध्यान रखिएगा लाइन आप, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके आंसर में यूज कर लीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन वेरी यू राइट, ऐसे में कहीं पर भी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। तो अब राणा रायमल का 11 रानियां थी, 13 बेटी बेटे थे, जिसमें से एक वो था राणा सांगा, थर्ड सन था इनका, ठीक है, बट ही वॉज द मोस्ट एलिजिबल सन। तो जब जयमल की हत्या सुल्तान कर देता है, जगमाल मरवा देता है किसको, उसको पृथ्वीराज को, तो बचता कौन है, जो सबसे जो एल्डेस्ट सन वो उसका राणा सांगा और मोस्ट एलिजिबल सन था, इसी को ये राजा बनवा देता है। तो ही बिकम्स राणा सांगा बिकम्स दी एयर टू थ्रोन, ठीक है, स्काइन बन जाते हैं। और राणा रायमल एनकरेज फार्मिंग इन मेवाड़, थोड़ा बहुत उसने तीन वो लेक बनवाए थे, पॉन्ड्स बनवाए थे, तालाब, राम तालाब, शंकर तालाब और सम्य शंकर तालाब, ठीक है। तो ये तीन तालाब इसने बनवाए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थॉट कि इट्स वर्थ मैंशनिंग यहाँ पर, कहीं कोई चीज़ मिस ना हो इसीलिए, ठीक है। चलिए अब आपके आते हैं महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है, उदयपुर के फोर्ट से ली हुई फोटोग्राफ है इनकी, तो ये लोग लाइट चमक रही थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए महाराणा सांगा है ये। अब महाराणा सांगा की ये आप देख सकते हैं फोटो में गौर से, इनकी एक आंख फूटी हुई, इनके भाई साहब ने तो फोड़ दी थी। इसके अलावा ये लंगड़े भी थे, पैर भी टूट गए थे, इनके शरीर पर 80 घाव थे, ठीक है, 80 वुंड्स ऑन हिज बॉडी, एक हाथ भी कट गया था इनका वॉर में लड़ते लड़ते। तो चलते फिरते ये एक इनको रूइंस ऑफ अ सोल्जर कहते हैं, कर्नल जेम्स स्टोर बोलते हैं, एक सैनिक भग्नावेश। एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे, मेन से पूछा जा सकता है कि राणा सांगा को सैनिक भग्नावेश क्यों कहा जाता है, तो उसके अंदर आपको राणा सांगा के बैटल के बारे में और इनकी जो मिलिट्री प्रोग्रेस है उसके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, वो सारे आपको यहाँ पता होने चाहिए, ठीक है। तो सैनिक भग्नावेश क्यों कहते हैं, तो राणा सांगा को एक बहुत बहुत 80 वुंड्स थे, ही वॉज अ बैटल, ही वॉज अ मार्शल किंग, इसीलिए इनके लिए इंपॉर्टेंट बात है पूरी। आज थोड़ा सा 10-1 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाह रहा था यहाँ तक कंप्लीट हो पूरा सांगा, कल के बाद फिर हम पूरा खत्म कर देंगे मेवाड़, जो मेडिवल हिस्ट्री है वो पूरी शुरू कर देंगे फिर हम, ठीक है, मेवाड़ की जो थी। चलिए तो संग्राम सिंह जब को जब राज मिलता है तो उनके आसपास चारों तरफ बिल्कुल क्या कहते हैं एक तरह से एनिमीज एनिमीज दुश्मन दुश्मन थे, तो धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं वो, जब वो राजा बनते हैं तो उस टाइम पर दिल्ली में सिकंदर लोधी का रूल होता है और बाद में इब्राहिम लोधी उसका बेटा आकर रूल करने लग जाता है। गुजरात के अंदर महमूद बेगड़ा था और बाद में मुजफ्फर शाह टू जो उसका बेटा होता है वो रूल करने लग जाता है। और ऐसे ही मालवा के अंदर नसरुद्दीन था और बाद में महमूद खिलजी इसका रूलर बन जाता है। तो ये सारे रूलर्स इसके टाइम पर महाराणा टाइम पर दोनों ने रूल किया था। तो इब्राहिम लोधी, आपके मुजफ्फर शाह टू और महमूद खिलजी, ये सारे मेन इनके साथ वॉर्स होते हैं इनके आगे जाकर, ठीक है। सर आप अनअकैडमी, संकेत मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ा रहा हूँ यार, मैं प्लस, अगर आप पूछा प्लस पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल प्लस पे ही पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। कल से मेरा कोर्स लॉन्च होने वाला है अनअकैडमी पे, दूसरा कोर्स, पहले मैंने एक फॉरेन रिलेशंस पे किया था, तो उसके अलावा दूसरा कोर्स मेरा कल से लॉन्च हो जाएगा 12:30 बजे से, ठीक है। चलिए तो जो फॉलोइंग, तो इसके सांगा के बारे में भी एक बहुत फेमस दोहा है कि इब्राहिम पूरब दिशा उल्टे पश्चिम मुदाफर यानी मुजफ्फर,
ठीक है, मुजफ्फर शाह ने दई पयान दक्किन मोहम्मद साना दौड़ दे सांगो दमन तहु सुल्तान, ठीक है, सबका दमन करने के बाद ही ये राजा बनता है, सुल्तान बनता है। तो ये आपके हाँ बिल्कुल प्लस में मैं हूँ, ठीक है। तो ये राणा सांगा के बारे में फेमस दोहा है कि सबका दमन किया था, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तक चारों तरफ से घिरे हुए थे ये, और सबका दमन करने के बाद सांगा एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉरियर बन के आते हैं। इनफैक्ट ही वॉज कंसिडर्ड द लास्ट हिंदू किंग ऑफ मेडिवल इंडिया, ठीक है। तो ये लास्ट हिंदू किंग माना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वो थे ये रूलर। तो अब राणा सांगा का जो मिलिट्री प्रोफेसर सैनिक भग्नावेश कहा जाता है, इनको क्यों कहा जाता है, तो उसके बारे में आपको इनकी जो मिलिट्री बैटल्स थी उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो राणा सांगा दिल्ली की क्या परेशानी थी भाई, तो दिल्ली के साथ इनकी राणा सांगा इब्राहिम लोदी बैटल ऑफ खातौली हुई थी 1517 में। ईयर ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट थे ईयर इसलिए। तो सिकंदर लोदी के बाद क्या राणा सांगा ने अपनी बहुत सारी जो जो पार्ट था ईस्टर्न राजस्थान का दिल्ली के अंदर आता था वो वापस छीन लिया था सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद। इससे इब्राहिम लोदी जो था, हालांकि वो ही बना था वर्दी किंग, बट वो चिड़ गया और दिल्ली का गुमान था उसके ऊपर, तो वो क्या होता है राणा सांगा पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे इनके बीच में खातौली का युद्ध होता है जो 1517 के अंदर आपको राणा सांगा हरा देते हैं, बैटल ऑफ खातौली जीत जाते हैं, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं, ठीक है। तो ये आप नाम ध्यान रखें किसके साथ हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरी बैटल होती है, अब फिर दो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इनका बाबर और सांगा के बीच का था। तो बाबर और सांगा के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है बाबर और सांगा का। अब देखिए होता क्या है, अगर आप पुराने बही खाते वगैरह पढ़ेंगे जो मेवाड़ की हिस्ट्री है, तो वहां पर कई जगह ये कहा जाता है कि सांगा एक्चुअली दिल्ली पे कंट्रोल करना चाहता था, इसीलिए उसने बाबर को इन्वाइट किया था इंडिया के अंदर, और बाद में उसने बाबर की हेल्प नहीं की, ठीक है। त्रिभुवन गुड टाइम टू कॉल मी वुड बी आफ्टर द क्लास, आई थिंक आफ्टर 10-15 मिनट्स आफ्टर द क्लास, दैट इज अ गुड टाइम टू कॉल मी, ठीक है, सो यू कैन कॉल मी दैट टाइम, अदरवाइज इफ आई इवन इफ आई एम नॉट एबल टू पिक अप माई फोन आई विल बी कॉलिंग यू बैक, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज विद योर नेम, ठीक है। तो एज एन वेन आई गेट फ्री आई विल गिव यू अ कॉल, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये कहानी शुरू होती है बाबर, तो फिर अब बाबर को ऐसा लगता है कि वो इंडिया आ जाता है और उसकी हेल्प भी नहीं मिलती है, तो बाबर और सांगा के सॉरी इब्राहिम लोदी के बीच में बैटल ऑफ पानीपत होती है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि मैंने बता रखी है 1526 के अंदर, ईयर ध्यान रखना इसका भी, ठीक है। तो वो होती है जिसके अंदर मुगल जीत जाते हैं और इनकी सल्तनत एस्टैब्लिश हो जाती है, कहां पर दिल्ली के ऊपर। बाबर का आइडिया नहीं था दिल्ली पे जीत करने का, वो आता लूट कर वापस चला जाता, बट इसके लिए बाबर के पास उज़्बेकिस्तान से आया था कोई जगह बची नहीं थी, उसके जो भाई वगैरह थे उन्होंने भगा दिया था इसको वहां से, सो ही हैड नोवेयर टू गो, बट इवेंचुअली ही वांटेड टू सेटल इन अफगानिस्तान, लेकिन फिर यहां पर आकर दिल्ली बाय चांस जीत जाता है तो उसका रूल बन जाता है, अदरवाइज ही हैड नो इंटेंशंस ऑफ सेटलिंग हिज कंट्रोल ओवर इन दिल्ली। तो जब वो इंडिया आता है, ऐसा कहा जाता है कि वो इंडिया आता है तो सांगा के बुलावे पे आता है, बट अगर आप पुरानी बही खाते पढ़ें जो चित्तौड़ वगैरह के हैं मेवाड़ के, वहां पर कहीं भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, विच इज सरप्राइजिंग, क्योंकि पहले हर चीज लिखी जाती थी उसके बारे में, हिस्ट्री लिखी जाती थी, तो वो भी जानकारी कहीं नहीं मिलती है। तो कह सकते हो कि एक कच्छ एक लिबरल एक हिस्टोरियंस का व्यू हो सकता है, बट ऐसा था नहीं, ठीक है। अब तो इसलिए अब लड़ाई क्यों होती है, रीजंस फॉर वॉर बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर, एक तो दोनों बहुत इंपीरियलिस्ट थे, दोनों दिल्ली पर अधिकार चाहते थे, सबसे बड़ी बात। राणा सांगा ने हसन खां मेवाती को रिफ्यूज दिया था, जो कि जिसको बाबर ने हरा दिया था, ठीक है, तो इसलिए, और बाबर को गुस्सा था कि राणा सांगा ने ट्रीटी ब्रीच करी थी असिस्टेंस की, जो मैं बात बता रहा था ना कि दिल्ली के ऊपर अधिकार करने के लिए हेल्प करेगा और बाद में सांगा हेल्प नहीं करता है, ये बाबर ने बाबरनामा में लिखा है, तो वी कांट रियली ट्रस्ट दैट कि वो क्या लिखा था उसने, ठीक है। तो ये चीज़ उसके बारे में जानकारी मिलती है यहां से, तो ये चीज़ आप जान, ये तीनों रीजन थे, ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दो नंबर में आ सकता है ये, ठीक है। और अगर पांच में आएगा तो आपको बैटल ऑफ बयाना और बैटल ऑफ क्या कहते हैं खानवाव, दोनों के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा, और दस में भी, तो दो में आएगा तो सिर्फ ये बता दो और बाकी उसमें आए तो वो चीज़ें बता देना जो बताई मैंने, आप डिस्कस करेंगे आगे बैठने में। अच्छा, इसका अब आउटकम क्या हुआ इसका, कि बाबर ने अपनी फोर्सेस भेजी जनरल मेहंदी ख्वाजा के बीच के उसके अंदर लीडरशिप में, और बयाना फोर्ट पे कब्जा कर लिया। तो आप ध्यान रखिएगा जो मैं बताता चल रहा हूँ, यू हैव टू कंसिडर दी क्रोनोलॉजी। तो बाबर ने मेहंदी ख्वाजा को भेजा, मेहंदी ख्वाजा ने बयाना फोर्ट पे कब्जा कर लिया। अब क्या होता है, बयाना के बैटल होती है 16 फरवरी 1517 को, ध्यान रखिएगा डेट के साथ, सिर्फ ईयर नहीं डेट के साथ। तो बयाना की बैटल, तो बयाना की बैटल जो होती है, तो सांगा को जब पता लगता है कि मेहंदी ख्वाजा ने बयाना फोर्ट पे कब्जा कर लिया, तो वो पहुंचता है। अब मेहंदी ख्वाजा क्या होता है, वो चला जाता है अटैक करने के बाद, और कमांडर किसको बनाता है, सागर खां को, वो सौंप जाता है किला, ठीक है। तो वापस बाबर के पास चला जाता है। अब क्या होता है, वो जब अटैक करते हैं तो राजपूतों ने बहुत बुरी तरह से मार काट मचा देते हैं और हालत खराब हो जाती है बाबर की आर्मी की, क्योंकि कमांड उसका सागर खां जो कमांडर था वो भी मर जाता है, और मुगल आर्मी को अंदर फोर्ट में ही सरेंडर करवा देते हैं, पूरी चारों तरफ से घेर कर और फोर्ट में सरेंडर करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो 1527 फरवरी को वापस से इस बैटल जब सांगा कैप्चर कर लेता है बयाना फोर्ट को, तो वहां पर जो जो कुछ सैनिक बचते हैं वो भाग जाते हैं।
हालांकि बाबर तब सैन अपनी जो बैटल की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब वो राजपूत के बारे में सुनता है कि किस तरह से उन्होंने मारकाट मचाई है, तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। और जो वहाँ के जो सैनिक भाग कर जाते हैं, जैसे शाह मंसूरी किस्मती थे, इस तरह के लोग बताते हैं कि सांगा किस जबरदस्त तरह का मार्शल वॉरियर है, कितना स्विफ्टली मूव करता है, बहुत रूथलेसली ना वॉर लड़ता है। तो वहाँ पर जितनी भी सैनिक थे जो बाबर की आर्मी थी, वो हिल जाती है पूरी, तो डर जाते हैं। इसके अलावा बाबर के साथ एक उस टाइम का मुस्लिम अश्वर होता था मोहम्मद शरीफ, वो भी चल रहा था। वो कहता है कि भाई मंगोल चार्ज जो होता है, वो बोल रहा है कि जो ईस्ट से लड़ेंगे वो हार जाएंगे। अब जो ईस्ट से लड़ेंगे, और बाबर की आर्मी की पोजीशन थी वो ईस्ट से थी, तो उसको लगा कि भाई तो सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट में जा रही है। लेकिन देखिए, बाबर एक बहुत ही एक स्ट्रांग विल्ड रूलर था, और वो स्ट्रांग विल्ड इसलिए था क्योंकि उसको पता था कि सब चीज़ उसके अगेंस्ट में जा रही है। राणा सांगा ने बहुत बुरी तरह उसको हराया है। उसके अलावा जो उसके जो उसके साथ में जो सैनिक आए हैं, वो उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये वॉर में हार जाएगा। तो लेकिन बावजूद उसके वो बहुत ही कंट्रोल था, उसको ये पता था कि देर इज नथिंग फॉर हिम लेफ्ट टू गो बैक टू अफगानिस्तान या उज़्बेकिस्तान, क्योंकि वहां पर तो कुछ नहीं मिलने वाला था। तो अगर उसने सोचा कि मैं जीऊंगा तो यहीं, मरूंगा तो यहीं, बन जाऊंगा तो रूलर बन जाऊंगा, नहीं तो वहां जाकर भी मरना है तो वील गिव इट अ शॉट। तो इस तरह से वो क्या करता है, जब वो सब तरफ से बिल्कुल मायूसी देखता है, डिस्पेयर देखता है ऑल अराउंड, तो वो क्या करता है, अपने सैनिकों को क्या कहते हैं, रीअसेंबल करने के लिए या रेजुविनेट करने के लिए उनके सामने, जैसे ये आपने देखा होगा पद्मावत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जिस तरह से उनको संगठित करके एक स्पीच देते हैं, तो वैसे ये भी करता है बाबर। ठीक है, वो बोलता है कि मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं बिल्कुल शराब छोड़ दी आज से, और मैं अब जब है ना शराब कभी भी नहीं पीऊंगा। और जो एक्सपेंसिव बॉटल्स लेके आया था शराब की, वो तोड़ देता है। कप्स प्लेट जो थे बोन चाइना वगैरह के, वो तोड़ देता है और गरीबों में बटवा देता है। तो इससे लोगों में मिलता है कि नहीं, मेरा राजनेता कर रहा है तो हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। और वो एक रिलीजियस सेंटिमेंट जिहाद, उसका नारा देता है इन सबको कि भैया हमको जिहाद लड़नी पड़ेगी अगर हमको इस्लाम को बचाना है, इस तरह का जो भी वो आइडिया देता है वहाँ पर उस वक्त। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, तो आई एम टॉकिंग व्हाट हिस्ट्री हैज सजेस्टेड, जो उसने किया था बाबर ने, तो जिहाद की तरह बोलता है। तो ये पूरी स्पीच का एक एक्सेप्ट है उसका, ये आप ध्यान ये पढ़ सकते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर हम जीत गए तो हम गाजी कहलाएंगे, और मर गए तो हम खुदा जिहाद करते हुए मारे जाएंगे, तो हमको दोनों तरह से गाजी बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से उनके अंदर जगाता है कि लड़ो तो अच्छी तरह लड़ो, इस तरह की सारी बातें वो करता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट ही सेज अबाउट इट। साकेत मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या 9 टू 12 की राजस्थान अध्ययन बुक इनफ फॉर राजस्थान जी की? हाँ, काफी इनफ तो है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, पर वो हिंदी के अंदर है, तो आप चाहें तो आप उसमें से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इट्स मोर देन इनफ आपका, देयर मोर देन इनफ फॉर एटलीस्ट मेन्स। प्री के अंदर आपको थोड़ा सा और दो तीन जगह से पढ़ना पड़ेगा, आप लक्ष्य चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो जो मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको वो पढ़ सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, चलिए, उसके अलावा फिर दूसरी बैटल होती है खानवा की, तो ये सीधे एक महीने के बाद होती है, इसलिए मैंने कहा था डेट ध्यान रखना। फरवरी 17 को होती है, 16 को होती है आपकी बैटल ऑफ बयाना, और 17 मार्च को होती है बैटल ऑफ खानवा। अब खानवा की जो बैटल थी वो बाबर और राणा सांगा के अंदर रूपवास तहसील भरतपुर में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ लड़ी गई थी। ठीक है, बयाना भी भरतपुर के अंदर था, तो वो भी ध्यान रखना, रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर बैटल ऑफ खानवा हुई थी। खानवा कहाँ पर, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये रूपवास तहसील भरतपुर में हुई थी, तो यहाँ पर ये लड़ी गई थी। अब राणा सांगा के अंदर महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, मालदेव का बेटा राव गंगा, और पृथ्वीराज जो आमेर का रूलर था वो, कल्याणमल बीकानेर का, ईडर का भारमल, इसका समधी हुआ करता था महाराणा सांगा का, उदय सिंह वागड़ का, मेदिनी राय चंदेरी का, जो चंदेरी का युद्ध जीता था इसने, वो रायमल राठौड़ ऑफ मेड़ था, ये सारे मौजूद थे, ये इसके साथ लड़े थे। कर्नल जेम्स चोर ने कहा था ये इंपॉर्टेंट है कि राणा के पहली बार इतनी बड़ी फोर्सेस लड़ी थी, जिसके अंदर 7 तो राजा थे, 9 राव थे, और 104 सरदार सामंत थे, वो लड़े थे। लास्ट टाइम हुआ था जब इतनी बड़ी हिंदू फोर्सेज एक साथ लड़ी थी किसी इन्वेडर के अगेंस्ट में, और राणा सांगा के अंदर में, इसीलिए लास्ट हिंदू किंग कहा जाता है इंडिया का। ठीक है, तो ये नंबर ध्यान रखना, क्वेश्चन एज इट इज आरएस के अंदर उठ के आ सकता है। 7 राजा, 9 राव और 104 चीफटेन या सामंत लड़े थे इसके साथ। श्यामल दास बोलता है कि जो वीर विरोध में की जब बैटल शुरू हुई थी, तो इनिशियली जो था वो पूरा का पूरा पेंडुलम शिफ्टेड इन फेवर ऑफ राजपूत, और राजपूत बहुत वेलर से लड़ रहे थे, और लेकिन होता क्या प्रॉब्लम कि सांगा के सर में एक तीर लग जाता है, तो जिसकी वजह से उसको आर्मी वहां से निकाल कर ले जाती है। अब जो सांगा के साथ में जो लड़ रहे थे वो रावल रतन सिंह के पास जाते हैं, जो चुंडावत था, सनूबर का था। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि आप लड़ लो, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं राणा की ना जगह नहीं ले सकता, वो इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरे एंसेस्टर जो थे उन्होंने कहा था कि वो कभी भी अपने किंगडम के ऊपर, मेवाड़ के ऊपर या रॉयल स्टेट को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक, क्योंकि इस कुछ इवेंचुअल हिस्ट्री थी, पुरानी क्रॉनिक हिस्ट्री थी कि वो छोड़कर चले जाते हैं मेवाड़ को, इसलिए उन्होंने कसम खाई थी कि हम कभी भी ये स्टेट जो एम्बलम है वो नहीं लेंगे, तो वो नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं वैसे लड़ूंगा, मैं राणा सांगा की जगह नहीं लूंगा। ठीक है, ही डिड नॉट रन फ्रॉम द बैटल, ये ध्यान रखना, वो भागा नहीं था, उसने कहा था मैं राणा सांगा की जगह नहीं लड़ूंगा। किसने? रावल रतन सिंह चुंडावत ने कहा था, सनूमर का जो राजा था।
ठीक है। और सनूबर को मैंने पहले बताया था इसलिए इंपॉर्टेंट था सनूबर, क्योंकि सनूबर के अंदर होता क्या है, अगर मेवाड़ का महाराणा कहीं भी बाहर जाता था तो उसके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो सनूबर का किंग ही लिया करता था, ठीक है, तो उसको ही सौंप कर जाता था ये चीज, ठीक है। लेकिन हुआ कि उसके बाद झाला अज्जा जो थे उन्होंने जगह ली और राणा सांगा की और उन्होंने लड़ाई करी, हालांकि वो शहीद भी हो गए थे इसके अंदर। लेकिन बाबर के पास फायदा क्या था, बाबर के पास एक तो जो वो टर्किश जो कैनन्स लेकर आया था उसका बहुत हेल्प मिली थी उसको, कैनन, ठीक है, टर्किश कैनन्स लेकर आया था तो उसकी बहुत हेल्प मिली थी, तो इसकी वजह से वो राजपूतों को हराने में कामयाब हो गया था और बाबर की आर्मी जीत गई थी इसीलिए। और बाबर ने इसके बाद जीतने के बाद अपना टाइटल ले लिया था गाजी, और जो राजपूत सोल्जर्स थे उनके सर काटकर एक उसने विक्ट्री टावर बनवाया था अपना, वो कुछ टाइम के लिए बनवाया था, मतलब जैसा कि आपने मूवीज 300 वगैरह मूवीज देखी होंगी आपने, तो उसमें वो सर काट के जो जर्क्सीज जो किंग बताते हैं कि वो बनाते हैं, तो इसी तरह का कुछ काम बाबर ने भी किया था, ठीक है। तो ये चीजें थी उसके बारे में। अब एक क्वेश्चन आपसे जो बनता है वो बनता है कि राणा सांगा की डिफीट के क्या क्या कारण थे, ठीक है, जो बनता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो हिस्टोरियन है वो ये कहते हैं कि द मेन रीजन फॉर सांगा डिफीट वॉज दैट टाइम दैट ही गेव टू बाबर टू प्रिपेयर फॉर द वॉर, यानी कि जब इसको खान जब ये बयाना की बैटल जीत चुका था तो एक महीने रुकने की कोई जरूरत नहीं थी इसको। और ये प्रॉब्लम बहुत से राजपूत रूलर्स के साथ रही है, वो लोग क्या करते थे, वो हमेशा से डिफेंसिव, खासतौर से मेवाड़ के रूलर्स की वो डिफेंसिव पॉलिसी रही उन्होंने, कभी भी इनकी अटैकिंग पॉलिसी रही नहीं सांगा तक, और इसके अलावा महाराणा प्रताप तक भी उनकी डिफेंसिव पॉलिसी रही हमेशा, अटैक करने के ऊपर कोई करता था तो वो अटैक करा करते थे डिफेंस के अंदर, कभी भी पहली अटैकिंग पॉलिसी नहीं थे, जो बहुत बड़ी एक कमजोरी तो मैं नहीं कहूंगा बट दैट वॉज नॉट द प्रॉपर वे टू यू नो बिहेव लाइक अ किंग, तो ये प्रॉब्लम उन्होंने बताई। जबकि उनको इमीडिएटली बयाना की बैटल जीतने के बाद अटैक कर देना चाहिए था, उनको एक महीने का टाइम दिया, जो महाराणा की सबसे बड़ी मिस्टेक रही और वो हार गया एंड में। यही सेम पृथ्वीराज ने किया था 1991-1992 में, जो चौहान के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये और ये महाराणा ने किया था यहाँ पर राणा सांगा ने। चलिए तो अब राजपूत सोल्जर जो थे और राजपूत सोल्जर्स थे वो अपने तीर कमान भाले तलवार इनसे लड़ रहे थे, और जबकि बाबर के पास मॉडर्न वेपन्स थे, मॉडर्न स्वॉर्ड्स थी जो बहुत ज्यादा हल्की होती थी और स्विफ्टली मूव करती थी, ठीक है, एंड उसके अलावा उसके पास कैनन्स थी, तोपे थी, तो तुलगुमा पद्धति कहते थे इसकी बात, तुलगुमा टर्किश हिंदी में आएगा तुलगुमा पद्धति, और ये गन पाउडर इसने यूज करना शुरू कर दिया था, गन पाउडर ये ध्यान रखिएगा, ये गन पाउडर लेकर आया था जो जो नया जो जो इसी वजह से इस खातून इसने इब्राहिम लोदी को भी हरा दिया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया था तो इसलिए हार गए थे। हालांकि आर्मी बहुत बड़ी थी सांगा की, आई मीन ऑलमोस्ट डबल दी आर्मी थी क्या कहते हैं बाबर की, बट फिर भी ये लोग हार गए, तो बाबर ने बहुत स्मार्टली मूव किया था, ठीक है। और राजपूताना की जो आर्मी थी वो लैक यूनिटी एंड कोहेरेंस, अब आपको देख लो सात तो राजा थे, इतने किंग थे, सामंत थे, तो आपस में एक कंक्लूसिव वो नहीं बना पा रहे थे किस तरह से मूव करना चाहिए बैटल के अंदर, तो सब राजा अपनी तान में चल रहे थे, तो वो इशू हो गया। और बाबर की जो कैवलरी थी वो घुड़सवार ज्यादा थे उसके, और राजपूत की जो थी उसमें एलिफेंट ज्यादा थे, तो एक घुड़सवार थे वो ज्यादा फियर्सली और स्विफ्टली मूव कर रहे थे बजाय हाथियों के, तो इस वजह से वो पूरे फंस गए थे, देखो स्ट्रक इन दी वॉर, बेसिकली उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था, इस वजह से वो सांगा को तीर मार पर उसको बैटल से हटाया और बाद में इवेंचुअली वो बैटल हार गए, ठीक है। तो ये सांगा के उसके थे। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए खानवा के वॉर के, लास्ट टॉपिक है आज का, कि एक तो राजपूत का जो रूल था दैट केम टू एन एंड इन इंडिया टोटली, ठीक है। जो राजपूत जो वेलर था, जो एक राजपूत की जो युद्ध की पद्धति हुआ करती थी, एक कम जो 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 जैने जो टॉप तक पहुंची थी और वो खत्म हो गई धीरे धीरे, और वो टुवर्ड्स एंड के ऊपर आ गए थे, ठीक है। एंड जो राजपूत जो कॉन्ग्लोमेरेट था जो बनाया गया था, उन्होंने पूरा ग्रुप बनाया था, वो मेवाड़ की ऊपर वो मेवाड़ की हार के अंदर खत्म हुआ था, ठीक है। तो जो मेवाड़ की जो प्रेस्टीज थी वो बहुत ज्यादा हैम्पर हुई थी, ठीक है। जो पावर प्रेस्टीज और पावर के मेवाड़ के अंदर बना था वो पूरी तरह खत्म हो गई थी बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा मुगल एम्पायर की सुप्रीमसी स्टैब्लिश हो गई थी, ये ध्यान रखना। बाबर बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया 1526 के अंदर, जब ये हरा दिया इसने क्या कहते हैं आपको खानवा के युद्ध में, उसके बाद सुप्रीम की लीडर बन गया था, एक सुप्रीम किंग बन गया, एम्परर ऑफ इंडिया अपने आप को बना लिया, ठीक है। और दो चीज इंपॉर्टेंट है, जो श्रृंगार देवी जो वाइफ थी राणा सांगा की, उसने घोसुंडी बावड़ी बनवाई थी, बावड़ी जाना घोसुंडी शिलालेख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, घोसुंडी बावड़ी बनवाई थी किसने, जहां पर आपको श्रृंगार देवी जो राणा सांगा की पत्नी थी, ठीक है। और कर्नल जेम्स चोड ने राणा को रूइंस ऑफ अ सोल्जर, यानी कि सैनिक भग्नावेश, हिंदी में ये टर्म आएगी अगर आएगी आपके, तो हो सकता है इंग्लिश में ही पूछ लें, सैनिक भग्नावेश, तो ये ध्यान रखना सैनिक भग्नावेश किसको कहते हैं, राणा सांगा को कहते हैं स्पेशली, क्योंकि बॉडी ऑफ रूइंस ऑफ सोल्जर एक टूटा फूटा खंडर, मतलब भग्नावेश यानी खंडर, रूइंस मतलब खंडर, तो उसका जो शरीर था वो हाथ नहीं था, पैर नहीं था, आंख नहीं थी,
80 घाव और थे, तो इसीलिए ये एक रूइंस ऑफ अ सोल्जर कहा जाता है, सैनिक भग्नावशेष कहा जाता है। ठीक है, अब ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ जाओ बस, कि भैया राणा रतन सिंह, तो राणा सांगा के मरने के बाद जो राणा सांगा का दूसरा पुत्र था रतन सिंह, जो धनबाई से पैदा हुआ था, इनको जोधपुर की जो रानी थी उससे पैदा हुआ था, तो वो राजा बनता है, लेकिन उसको सूरजवर हाड़ा जो बूंदी का राजा था वो मरवा देता है, वो उसको इनवाइट करता है, एक अहेडे फेस्टिवल था शिकार का, अहेडे मतलब शिकार फेस्टिवल था जो बूंदी के अंदर होता है, ये ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बूंदी का अहेडे फेस्टिवल क्या होता है, शिकार से रिलेटेड था, जो पुराने राजे महाराजा थे वो करा करते थे, तो वहां पर ये लड़ने जाता है, जहां पर इसकी डेथ हो जाती है, जिसको ये आपस में लड़के मर जाते हैं ये, तो राणा रतन सिंह मर जाता है, सूरजमल भी मर जाता है, ठीक है, कि हंटिंग एक्सपीडिशन होते हैं इनके बीच में, तो उस तरह भी मर जाते हैं जाकर, तो इस तरह से ये लीनेज यहाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद आपके दूसरे रूलर्स जो हैं वो आते हैं, फिर आपके विक्रमादित्य आएगा, उसके बाद उदय सिंह आएगा, तो वो हम लोग कल करेंगे, कल इनका जो मिडिवल हिस्ट्री राज्य मेवाड़ की वो पूरी खत्म कर देंगे, तो तीन पार्ट में पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये पर इसको रिवाइज कर लेना, तो ये मैं हमेशा डालता हूँ लास्ट में स्लाइड, इफ यू डू इट यू विल अंडरस्टैंड इट, आपको मैंने दिखाई, आपको मैंने सुनाई, तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन आपको ये पूरा रिवाइज करना पड़ेगा लगातार, ये ताकि आपको 10% अपफ्रंट डिस्काउंट मिल सके, और हम मेंस की तैयारी पूरी शुरू करें, रिजल्ट आने में है, आई थिंक 18 वाली का मई एंड में आ जाएगा, 27th या 29th मई की हियरिंग है, तो उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर आपकी सेप्टेम्बर अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आई वॉन्ट कि प्री से पहले आप लोगों का मेन्स खत्म हो चुका हो तैयारी, सो प्लीज ज्वाइन मी ASAP ऑन प्लस, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं प्लीज ज्वाइन मी देयर, और उसके बाद आगे की क्लासेस वहाँ पे करेंगे। ठीक है, कल मैं 11 बजे आता हूँ वापस सुबह, एंड वी विल बी फिनिशिंग ऑफ विद गोयल एंसेस्ट्रल डायनेस्टीज ऑफ मेवाड़, पूरा खत्म करते हैं इसको, और दैट्स इट, तो आई विल सी यू गाइस टुमारो, टिल देन सायोनारा एंड टेक केयर।